मैं डॉक्टर राजेंद्र फुले जी इनसे अनुरोध करता हूँ कि आज का ये जो कार्यक्रम यहाँ संविधान दिवस के उपरोक्ष में रखा गया है, विषय है हम भारतीय, भारतीय संविधान एवं संसदीय शासन प्रणाली, इस विषय पर जो व्याख्यान है इसकी प्रस्तावना दे डॉक्टर राजेंद्र फुले साहब। मित्रों, 64 साल का ये संसदीय लोकतंत्र का वक्त बीत चला है और आज 64 साल बाद आवाज इंडिया टीवी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स इस विषय पर केंद्रित हुआ है कि हम भारतीय, भारत का संविधान और संसदीय लोकतंत्र, तीन चीजें जो 26 जनवरी 1949 में संविधान सभा में जब भारत का संविधान समर्पित किया गया और उसे हम सब ने आत्मार्पित किया, इन तीन चीजों पर इन 64 सालों में क्या कुछ हुआ है, हो सका है या नहीं हो पाया है, इस बात पर ये मंथन है, ये चिंतन है और इसका एक इंटेलेक्चुअल विश्लेषण है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसकी भूमिका हम लोग जो रख रहे हैं, हम इस पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन हमारी पहले की पीढ़ी के, उससे पहले की पीढ़ी के, तीन पीढ़ियों के वे सारे इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने इस विषय पर बड़ा काम किया है। भूमिका यह है कि हम भारतीय, ये बात जब रखी गई तो इसके साथ वे सारे लोग जो इस भारत को उसकी संप्रभुता के साथ स्वीकारते हैं, वे सारे लोग हम भारतीय में आते हैं। हम ये जो भारत के लोग हैं, ये भारत के लोग भारत का संविधान भारत के लिए समर्पित करते हैं, हमारे उस वक्त के, हमारे राष्ट्र के निर्माताओं ने, हमारे राष्ट्र के उन पुरोधाओं ने जिन्हें ये लगता था कि ये देश, हमारा समाज एक ऐसा समाज बने, एक ऐसा राष्ट्र बने कि जहाँ से हम विकास की ओर चल पड़े। लेकिन 64 साल का विश्लेषण और आकलन और अनुभव जो हमने किया है वो ऐसा है कि हमारा लोकतंत्र उसकी सामाजिक दृष्टि में भी, उसकी राजनीतिक दृष्टि में भी, उसकी आर्थिक दृष्टि में भी, उसकी सांस्कृतिक दृष्टि में भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है जहाँ तक उसे पहुँचना चाहिए। हम जिस संसदीय लोकतंत्र की बात कर रहे थे वो संसदीय लोकतंत्र आज ये प्रश्न चिन्ह लेकर हमारे सामने खड़ा हो गया है कि क्या हमने लोकतंत्र को डिक्टेटरशिप में बदल देना चाहिए, क्या हमने किसी तानाशाह को नियुक्त करना चाहिए। हमारे देश में मीडिया से लेकर तो सड़क तक संसद को मजबूर करने वाले आंदोलन हुए, वो आंदोलन क्या हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को, जो कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करती है, वो संसदीय लोकतंत्र को क्या वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही थी? आज भी उस पर जो बात हो रही है क्या वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, ये सवाल है हमारे। और इसीलिए इस विषय पर हमने प्रोफेसर डॉक्टर माने साहब को यहां पर आमंत्रित किया है। हम संसदीय लोकतंत्र की जब बात करते हैं तो बाबा साहब की मंशा जो उन्होंने संविधान सभा के अंतिम भाषण में कही, बाबा साहब कहते हैं कि भारतीय समाज में दो बातों का पूर्णतः अभाव है, इनमें से एक है समानता। हम जिस समाज व्यवस्था में जी रहे हैं वहां समानता का अभाव है। सामाजिक क्षेत्र में हमारे भारत का समाज वर्गीकृत असमानता के सिद्धांत पर आधारित है। इस समानता पर हमारा समाज आधारित है, जिसका अर्थ है कि कुछ लोगों के लिए उत्थान और अन्यों के लिए अवनति। आर्थिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि समाज में कुछ लोगों के पास अथाह संपत्ति है और जबकि दूसरों और असंख्य लोगों को दरिद्रता का शिकार होना पड़ रहा है। देखिए, ये जो आर्थिक समानता और सामाजिक समानता दोनों का विरोधाभास बाबा साहब उस समय 1949 में संविधान सभा के उस अंतिम भाषण में रखते हैं और बाबा साहब आगे कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, एक ऐसा जीवन, राजनीति के क्षेत्र में हमारे भी समानता होगी। जो आज हम देखते हैं कि निम्न वर्गों के, वंचित वर्गों के, पिछड़े वर्गों के, आरक्षित समुदायों से नुमाइंदे संसद में पहुंचते तो जरूर है,
मतलब राजनीतिक समानता को हमने स्वीकार कर लिया है, लेकिन राजनीति में हम एक व्यक्ति एक मत और एक मूल्य के सिद्धांत को स्वीकृति देंगे, लेकिन अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के चलते हुए एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को अस्वीकार करना हम जारी रखेंगे। जो बाबा साहब की उस वक्त की एक सोच थी वो आज भी हम जैसी की वैसी देख रहे हैं कि हमने एक मत एक मूल्य को भले ही स्वीकार कर लिया है, लेकिन सामाजिक धरातल पर हम इस असमानता को वैसे ही चलाए जा रहे हैं। कब तक हम इस विरोधाभासी जीवन को जीते रहेंगे, अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को अस्वीकृत करते रहेंगे? हमें राजनीतिक जनतंत्र से ही संतुष्ट ना होकर इसे सामाजिक जनतंत्र का रूप देना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि हमें सामाजिक जनतंत्र का रूप स्वीकार लेना चाहिए, जो कि हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत करेगा, हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को मजबूत करेगा, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करेगा। हमें रक्त की आखिरी बूंद देकर भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। और बाबा साहब आगे कहते हैं कि चाहे संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वालों की मानसिकता अच्छी नहीं होगी तो संविधान अच्छा कैसे रह सकता है। इसलिए संविधान का अच्छा होना इस बात पर निर्भर करेगा कि इसको लागू करने वालों की मानसिकता कैसी है। इन 64 सालों में हमने देखा है कि संविधान को पूरी दुनिया ने सराहा। दुनिया में जहां जहां 1949 के बाद संविधान बने, वहां वहां भारतीय संविधान को आधार बनाया गया। जहां जहां जिन जिन देशों में संवैधानिक प्रक्रिया में कोई बदलाव की जरूरत पड़ी, उन्होंने भारतीय संविधान को एक संदर्भ के रूप में स्वीकार किया। लेकिन बावजूद इसके भारत में 64 साल का ये वक्त बीत जाने के बाद भी हम संसदीय लोकतंत्र को समाज में नहीं देखते, सामाजिक जीवन में नहीं देखते। और यही हमारी चिंता का विषय है, जिस पर यह विषय इसलिए है कि वे लोग जो बाबा साहब के आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं, वे लोग जो बाबा साहब की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनकी ये बड़ी जिम्मेदारी बन रही है कि वे बड़ी जिम्मेदारी से बाबा साहब की इस मंशा को नए सिरे से नए आंदोलन में उसका सृजन करें, इसको नए सिरे से समझें और फिर इसका इंप्लीमेंटेशन करें। इस सोच को पैदा करने के लिए, इस सोच को बढ़ाने के लिए, इस सोच को आगे करने के लिए आज इस व्याख्यान का हमने ये आयोजन किया है। मैं बाबा साहब का एक छोटा सा कोटेशन जो उसी समय उन्होंने दिया था, बाबा साहब कहते हैं कि मैंने इस संविधान के जरिए ऐसी व्यवस्था की है जिसके तहत अब राजा रानी के पेट से नहीं आएगा बल्कि मत पेटी से पैदा होगा। देश में जिन लोगों को किसी लायक नहीं माना जाता था, आज इसी वोट की ताकत से उनमें स्वाभिमान की तरंगे छलछला रही है। इसी क्रांति के कारण वोट प्राप्त करने के लिए राजनेताओं को महलों से निकलकर गरीब और वंचित लोगों की झोपड़ियों में जाना पड़ता है। और इसलिए हम जो कहते हैं कि हम गरीब और वंचित लोगों की और झोपड़ियों की नुमाइंदगी करते हैं, तो हमारा कर्तव्य बड़ा हो जाता है कि झोपड़ी और वंचित लोगों की नुमाइंदगी में हम लोग किस तरह का सृजन करें कि जो इस पीढ़ी को आगे लेकर जाएं और वास्तव में भारतीय संविधान की जो मंशा है कि हम भारतीय हैं, हमारे भारत का एक संविधान है। अगर भारत को किसी ने बांध कर रखा है तो सिर्फ संविधान ने बांध कर रखा है, किसी धर्म ने नहीं, किसी राजनीति ने नहीं, किसी संस्कृति ने नहीं। अगर किसी संस्कृति को भी खड़ा होना चाहिए तो वो संवैधानिक संस्कृति है, ऐसा हमारा मानना है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर के निर्माण में आज की ये बात को आगे बढ़ाते हुए मैं मेरी भूमिका को यहाँ रोकता हूँ। आप सबने भी इस बात को इतनी शांति से सुना, आप सबका बड़ा धन्यवाद। यहाँ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर श्री प्रकाश वाघमारे जी, जो कि DCP साहब है, वे अपने वक्तव्य यहाँ इस विषय के इस संदर्भ में रखे। डॉक्टर श्री प्रकाश वाघमारे साहब। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, आपल्या आयुष्याच, आपल्या विद्वत्तेचं सार ज्या दोन महान ग्रंथांमध्ये दृगोचर केलेला आहे, त्यापैकी एक आहे भारतीय संविधान आणि दुसरा आहे बुद्ध आणि त्यांचा धम्म। ज्या संविधानाच्या बळावर तुम्ही आणि मी, या देशातली गोरगरीब दीनदलित जनता आज ताठ मानेनं आणि अभिमानानं उभी आहे, प्रगतीच्या पथावर वाटचाल करीत आहे, त्याचं सर्व श्रेय केवळ भारतीय संविधानाला आहे। या देशातल्या
अनेक शक्ति अपना माहित आहे, इतिहास माहित आहे कि संविधानामध्ये बदल करण्याचा, संशोधन करण्याचा आणि बाकी अनेक काही गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। पण जोपर्यंत डॉक्टर माने सरांसारखे संशोधक या देशामध्ये अस्तित्वात आहेत, पीएस आणि आमन सारखे कार्यकर्ते आहेत आणि तुमच्या सारखे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे भीम सैनिक जोपर्यंत या देशामध्ये आहेत तोपर्यंत हे संविधान कायम राहणार आहे, याबद्दल कोणाच्याही मनात शंका असण्याचं कारण नाही। या संविधानावर आधारित जगातले जे जे देश स्वतंत्र झाले, स्वतंत्र होऊ पाहत आहेत, त्यांनी या देशाचं संविधान अंगीकारलेलं आहे, यापेक्षा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विद्वत्तेची आणि या संविधानाची अधिक महत्ता काही असेल असं मला वाटत नाही। दक्षिण आफ्रिका जेव्हा स्वतंत्र झाली तेव्हा नेल्सन मंडेलांनी असं म्हटलं होतं की आम्हाला दुसरं संविधान लिहिण्याची गरज नाही, बाबासाहेबांचं संविधान आम्ही अंगीकारणार आहोत। कुणी काहीही केलं तरी मित्रांनो, यावश चंद्र दिवाकर, जोपर्यंत चंद्र सूर्य अस्तित्वात असतील तोपर्यंत हे संविधान कायम राहणार आहे आणि तुम्हा आम्हा सर्वांची प्रगती या संविधानाच्या अंगीकरणानेच होणार आहे असा मला ठाम विश्वास आहे। एक कवी असं म्हणतो संविधानाबद्दल की भारत की जान है, भारत की जान है, भारत की शान है, भीम जी तुम्हारा संविधान है। इस विषय पर वक्तव्य के लिए मैं बुलाना चाहूंगा माननीय धनंजय वंजारी साहब, एक संक्षिप्त में उनका परिचय दूंगा। वो IRS है, इनकम टैक्स में डेप्यूटी कमिश्नर है और हाल ही में उनका एक पुस्तक विमोचित हुआ है जिसका नाम है हमारा संविधान और हम। मैं आगे इस विषय पे कुछ बोलने के पहले मैं आपको एक घटना का वर्णन यहाँ पर करना चाहूंगा आपके सामने। अभी 2-3 दिन पहले मैं नागपुर से बाहर कहीं एक विशेष काम से मैं गया हुआ था और वहां पर एक नागरिक ने अपनी एक समस्या बताई और उन्होंने कहा कि देखिए सर, मेरे साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ है, मेरे काम के लिए ही मुझे सजा दी जा रही है, मैंने जो अच्छा काम किया है उसी के लिए मुझे सजा दी जा रही है। अब मैं ट्रांजेक्शन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था इस पे नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि सर बोले, जब मैंने उनको बताया कि संविधान में इस तरीके का लिखा हुआ है, कानून में इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आगे वाली पार्टी जो सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से या किसी राजनीतिक रूप से थोड़ी सशक्त है तो वो उन्हें जवाब दे रही है सर बोले कि कब से मुझे कायदा सिखा रहा है, कब से मुझे संविधान सिखा रहा है, लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात से नहीं हुआ कि वो अदर पार्टी इस प्रकार से कह रही है, लेकिन मुझे हर्ष इस बात से हुआ कि बाबा साहब ने देखो किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में आम नागरिकों के मन में भी इस प्रकार की शक्ति उत्पन्न कर दी है कि वो अभी इस काबिल हो चुका है कि वो बता रहा है कि देखो कानून में इस तरीके से लिखा है, संविधान में इस तरीके से लिखा है। यह है दोस्तों हमारे संविधान की ताकत। बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया है उसके जो प्रावधान दिए गए हैं, अगर उन प्रावधानों को हम वर्बेटिव न पढ़े लेकिन कुछ हद तक उनकी धाराओं की इंप्लीकेशंस को हमको पढ़े तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो हमारे लिए, ये मैं इसका दैनंदिन जीवन में उपयोग कर सकता, यह जीवन जीने का तरीका है। वन मैन वन वैल्यू बिल्कुल नहीं है। तो इन आवर गवर्निंग प्रोसेस पॉलिटिक्स टेक्स द बैक सीट। दोस्तों जब हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, हमारा संविधान, हम इंडियंस, हमारा संविधान और हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आप सब लोगों को पता है कि 1950 के पहले या 1947 के पहले या स्पेसिफिकली 26 जनवरी 1950 के पहले हमारी हैसियत क्या थी, व्हाट वाज आवर सोशल स्टेटस, व्हाट वाज आवर पॉलिटिकल स्टेटस एंड व्हाट वाज आवर लीगल स्टेटस, क्या हैसियत थी हमारी, कुछ भी नहीं। जिस चीज को हम आज इंडियंस के नाम से जानते हैं,
शब्द को हम आप इंडियंस के नाम से जानते हैं, जिस प्रकार से हम अपने आप को इंडियंस या भारतीय कहते हैं, उसका वजूद कहां से आता है, उसका स्रोत कहां से है, वह स्टेटस हमको कहां से मिला है, वह स्टेटस कहां से मिला है, भारत के संविधान से मिला है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को, सब लोगों को पता है और उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कि 1950 के पहले जिसको हम इंडिया कहते हैं, वह इंडिया था क्या? वॉज इट रियली ए इंडिया? एवरीबडी विल डाउट, बिकॉज इस कंटिनेंट पर जो अलग अलग राजे रजवाड़े थे, वो अपने आप में सभी सार्वभौम थे। एवरी प्रिंसली स्टेट, एवरी ब्रिटिश प्रोवाइंस वॉज सवरेन सुप्रीम इन इटसेल्फ। लेकिन भारत के संविधान ने इस कंटिनेंट को राजनीतिक, सामाजिक और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक किया, और तब हमको 26 जनवरी 1950 को हमको एक स्टेटस प्राप्त हुई जिसको हम कहते हैं वी द इंडियंस। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एट द वेरी स्टार्ट, वेरी इंट्रोडक्शन, व्हाट वी कॉल एज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी स्टार्ट द प्रीएम्बल इटसेल्फ, we the people of India, this is how we get the status of Indians. इस प्रकार से हमको Indians के रूप में status मिलती है। ऐसे ही नहीं, कोई किसी ने बोल दिया तो तमाम लोग दुनिया में जाके कुछ भी बोल देंगे अपने आप को कि हम इस प्रकार से आए हैं या हम यहां से आए हैं, हम हिंदुस्तान से आए हैं, लेकिन बात तभी सही सिद्ध होगी जब वो अपने आप को Indians के रूप में जानेंगे। And here lies the importance of the Indians. दोस्तों, हमारे इस संविधान की खासियतें जो है, उन खासियतों के ऊपर सर विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन मैं कुछ चीजें जो है आपके सामने रखना चाहूंगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में। आप सब लोगों को पता है कि भारत के संविधान की जो प्रीएम्बल है, उसमें हमने यह स्थापित किया है कि भारत की जो राजनीतिक सत्ता का जो स्रोत है वो कहां से आएगा। आप सब लोगों को पता है हमारे पूरी राजनीतिक सत्ता का जो स्रोत है, जिसका रिफ्लेक्शन हमको द स्टेट यानी द गवर्नमेंट के रूप में दिखता है, उसका स्रोत कहां से है? उसका स्रोत है वी द पीपल ऑफ इंडिया। पूरी राजनीतिक जो सत्ता का जो स्रोत आया हुआ है वो कहां से है? हम सब लोग, इसी से सत्ता आती है। कहीं राजा से सत्ता नहीं आती है, किसी किसी हुक्मरान से नहीं आती है, किसी डिक्टेटर से नहीं आती है, यहां सत्ता आती है किसे? वी द पीपल ऑफ इंडिया। और इस सत्ता को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमने एक फंडामेंटल कानून बनाया है, एक मूलभूत कानून बनाया है जो हम पूरे भारतीयों के ऊपर लागू होगा, उसको कहते हैं हम भारत का संविधान। आप सब लोगों को पता है कि अगर देश में किसी भी प्रकार का कोई कानून बनता है, किसी भी प्रकार का नियम बनता है, तो उसको भारत के संविधान से संगत होना अति आवश्यक है। द मोमेंट एनी नियम, द मोमेंट एनी रिजोल्यूशन, द मोमेंट एनी लॉ सीन टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड, दैट यू नो बेट। किसी भी प्रकार का कोई कानून हो, किसी भी प्रकार का कोई नियम हो, अगर वह संविधान से संगत नहीं होगा तो वह असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा और उसका इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज इट इज नल एंड वॉइड। इसीलिए भारत का संविधान हमारे लिए मूलभूत कानून है, और इस मूलभूत कानून ने हमको विशेष प्रकार के अधिकार दिए हैं, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, जब राइट्स की बात आती है, जब अधिकारों की बात आती है, तो आप अधिकारों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि सामाजिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। लेकिन कोई विद्वान अलग अलग अधिकारों को अलग अलग नामों से पुकारे, लेकिन उसको मान्यता तभी प्राप्त होती है जब यह सिद्ध हो जाए कि उसको संविधान में परिभाषित किया गया है। आपने देखा होगा
कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन देते हैं कि यह अधिकार भी फंडामेंटल में राइट में आता है। एक समय था सर, तो आप इसके ऊपर विस्तार से बताएंगे, एक समय था जब हमारे देश में राइट टू प्रॉपर्टी जो है इट इज टू बी अ फंडामेंटल राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। संपत्ति का जो अधिकार है आपका, उसकी जो स्टेटस थी वह वही स्टेटस थी जो कि आपके जीवन के अधिकार की, यानी वह भी मूलभूत अधिकार हुआ करता था। लेकिन अभी वह मूलभूत अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है, वह आता है कानूनी अधिकारों की, लीगल राइट्स में। इसीलिए जब आपकी प्रॉपर्टी या लैंड लेने के लिए सरकार अगर जबरदस्ती करती है तो आप उसको ना नहीं बोल सकते। दोस्तों, जहां भारत के संविधान की बात आती है तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी स्थापित की गई है उस डेमोक्रेसी को हम कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जिसका बहुमत ज्यादा रहेगा, जिसको वोट ज्यादा रहेंगे, उसी की सत्ता बनेगी, उसी की शासन प्रणाली होगी। लेकिन दोस्तों, इसके ऊपर बाबा साहब ने उनकी जो पुस्तक है रानाडे गांधी एंड जिन्ना, इसमें विस्तृत विश्लेषण दिया है और इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया है कि सही में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है या संसदीय जो लोकतंत्र है वो सही में इस भारत की सामाजिक स्थिति को देखते हुए कितना सफल हो पाएगा, और अगर इसको सफल करना है तो उनको क्या क्या जरूरत करनी पड़ेगी, कौन कौन सी कंडीशंस हमको पूरी करनी पड़ेगी। जब संसदीय कार्य प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली की बात आती है तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की बात आती है, और आप सब लोगों को पता है कि जहां डेमोक्रेसी का जिक्र आया और अमेरिका का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अमेरिका की डेमोक्रेसी एज ऑन टुडे इज सेड टू बी द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो इस सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को देखते हुए टोकवेल साहब ने यह इजाद किया, यह तर्क लगाया कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सक्सेस करने के लिए होनी चाहिए। और दोस्तों, इस बात को यहां आपको यह स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ध्यान में रखना होगा कि जब मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करता हूं तो वह एक शासन चलाने का प्रकार है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन बाबा साहब क्या कहते हैं, बाबा साहब का यह कहना है कि जो डेमोक्रेसी है इट इज नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस वी आर डिस्कसिंग टूडे। बेसिकली डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज द वेरी वे ऑफ लाइफ, यानी यह जीवन जीने का तरीका है। अगर यह नहीं है तो बाबा साहब कहते हैं कि वह जो डेमोक्रेसी है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वह सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से ज्यादा सोशल डेमोक्रेसी के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी थी। बाबा साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ओव्स इट्स एग्जिस्टेंस टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी राजनीतिक लोकतंत्र को आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र से ही औचित्य प्राप्त हो सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि आज की तारीख में बहुत सी ऐसी चीजें हो रही है जिसमें कि बात की जाती है व्यवस्था परिवर्तन की। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है कि आपका किस शासन प्रणाली से ही संबंध है क्या? अगर आपका व्यवस्था परिवर्तन से अगर संबंध शासन प्रणाली में ही चेंज करने का है तो मुझे नहीं लगता कि वह सक्सेसफुल साबित हो सकता है। जब आप व्यवस्था परिवर्तन की बात हम करते हैं तो हमको यह ध्यान में रखना होगा कि जिस सोशल स्ट्रक्चर का प्रभाव उस व्यवस्था के ऊपर हो रहा है तो उसमें भी परिवर्तन जरूरी है, उसमें भी संशोधन जरूरी है, तभी हमारा जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वह सही साबित होगी, वह सक्सेसफुल साबित होगी। बाबा साहब सोशल डेमोक्रेसी के बारे में दो तीन चीजें जो कोटेशंस है
वो बताना चाहूंगा। अपनी पुस्तक राणा डे गांधी एंड जिन्ना में बाबा साहब क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डज अनमिस्टेकेबली इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, द फर्स्ट इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड, एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी टुवर्ड्स वन्स फेलोस। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर कोई है तो उसमें एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड मतलब अपने जो दोस्त भाई हैं, हमारे समाज में रहने वाले जो लोग हैं, उनके प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है, घृणा का है क्या? अगर घृणा का है तो कितनी भी कोशिश कीजिए ऊपर से थोपने की डेमोक्रेसी, इट मे नॉट बी प्रूव्ड सक्सेसफुल। दैट इज व्हाट बाबा साहब सेज। फर्दर सेज, द सेकंड इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्रॉम रिजिड सोशल बैरियर्स। रिजिड सोशल बैरियर्स खुलने चाहिए। नॉट ओनली दैट, जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात आती है, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया और आपको पता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स व्हाट वी कॉल एज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेजोरिटी, लेकिन मेजोरिटी के बारे में बाबा साहब बहुत संदिग्ध थे और उन्होंने थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स में यह मुद्दा उठाया और उन्होंने मेजोरिटी को दो भागों में विभक्त किया है, दो प्रकार की मेजोरिटी के बारे में बात किया है। उन्होंने क्या कहा, एक मेजोरिटी होती है कम्युनल मेजोरिटी। आपका ध्यान मैं अपने तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। एक होती है कम्युनल मेजोरिटी और दूसरी होती है पॉलिटिकल मेजोरिटी। कम्युनल मेजोरिटी कहां पाई जाती है, जहां कास्ट बेस्ड सिस्टम है, और आप लोगों को भारत का इतिहास अच्छी तरीके से पता है। दूसरी होती है पॉलिटिकल मेजोरिटी और वहां उन मुल्कों में पाई जाती है, उन राष्ट्रों में पाई जाती है जहां क्लास बेस्ड सोसाइटी होती है। इस प्रकार से सार गर्भित एनालिसिस बाबा साहब ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स में इस बारे में कहा है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि जब तक हम सक्सेसफुल नहीं होते अपने देश में पॉलिटिकल मेजोरिटी प्राप्त करने के लिए, तब तक आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है इट मे नॉट प्रूव सक्सेसफुल। तो इसीलिए हम सब लोगों का दायित्व है जो कि संवैधानिक संस्कृति में विश्वास रखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में विश्वास रखते हैं, कि भाई इन प्रकार की बातों को, इस प्रकार की बातों को लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को तक बताया जाए कि संविधान में इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं। और अगर वो कैपेबल नहीं है तो हमें एक कुवत होनी चाहिए कि उनके लिए लड़ाई हम लड़े। तभी दोस्तों यह जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो आगे बढ़ सकेगा। मैं आवाज इंडिया चैनल को धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन भी करूंगा, बधाइयां भी दूंगा कि इस प्रकार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इस प्रकार का उपक्रम किया है। इन्हीं दो लफ्जों के साथ में मैं आप लोगों से रुख्सत लूंगा दोस्तों, मैं आपसे परमिशन चाहूंगा। जय भीम, जय भारत। वन मैन वन वैल्यू बिल्कुल नहीं है। तो इन आवर गवर्निंग प्रोसेस पॉलिटिक्स टेक्स द बैक सीट। साथियों, हर धर्म का एक ग्रंथ होता है, धर्म ग्रंथ होता है, अलग अलग धर्मों का अलग अलग धर्म ग्रंथ है, लेकिन जब हम पूरे भारतीय लोग सोचते हैं तो सारे भारतीयों का एक ही धर्म ग्रंथ है और वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ भारतीय संविधान। इस संविधान के ऊपर जैसे कि प्रियाम्बल में पहला शब्द है, यहाँ पे भी विषय का पहला शब्द है हम भारतीय, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम। ये जब तक हम की व्याख्या अधूरी रह जाती है, जब तक हम नहीं बनता तो एक राष्ट्र नहीं बन सकता। और ये हम बनाने की प्रक्रिया के लिए आज के कार्यक्रम का आयोजन है, क्योंकि बोलने के लिए तो सब बोल रहे हम भारतीय, लेकिन हमने ये देखा है, जैसे कि इसके पहले भी हमने सुना भी है, कि पॉलिटिकल पावर तो सबको मिला, वन मैन वन वोट वन वैल्यू तो हुआ, लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्तर पे वन मैन वन वैल्यू बिल्कुल नहीं है। और जहां पे असमानता है, जब तक समता स्थापित होती नहीं है, जब तक बंधुत्व स्थापित नहीं होता है, जब तक न्याय स्थापित नहीं होता, जब तक स्वतंत्रता स्थापित नहीं होती है, तो
तो तब तक हम संविधान के कितने भी गुणगान करें, उसके बारे में कितना भी अच्छा बोलें, तो हमारा एक राष्ट्र तैयार नहीं हो सकता, हमारा राष्ट्र बलशाली राष्ट्र नहीं बन सकता। और इस राष्ट्र को बलशाली बनाने के लिए, इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपेक्षाएं रखी थी, उनमें से कुछ जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। लोकतंत्र को प्रभावशाली बनाने के लिए पहला तो ऐसा है कि भारतीय लोगों की निरक्षरता दूर करना जरूरी है, परंपरागत रूढ़ी और अस्पृश्यता का निर्मूलन करना जरूरी है, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को दूर करना, आर्थिक विषमता को नष्ट करना, सामाजिक विषमता को नष्ट करना और सहिष्णुता निर्माण करना, विभूति पूजा नष्ट करना, भेदाभेद दूर करना, प्रभावी विरोधी पक्ष का निर्माण करना, पक्षीय हितों से ज्यादा राष्ट्रीय हितों पर ध्यान देना, संविधानिक मार्गों पर विश्वास दिलाना, उच्च स्तर का चारित्र निर्माण करना, व्यक्ति स्वतंत्रता और सद्विवेक बुद्धि को लोकतंत्र का आधार मानना, मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि लेना, राष्ट्र प्रेम की भावना भारतीयों में जागृत करना, अनाचार भ्रष्टाचार आदि दुर्गुणों का कहीं स्थान नहीं देना, उनका विरोध करना, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक विषमता को नष्ट करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में काफी चर्चा होती है, लेकिन जब तक सोशल डेमोक्रेसी यहाँ पे आती नहीं है, जब तक भारत में सोशल डेमोक्रेसी सामाजिक लोकशाही का बीजारोपण होता नहीं है, तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो नहीं सकती। उसी के साथ जब तक आर्थिक लोकशाही इस बारे में भी काम नहीं होता है, उस बारे में भी समता प्रस्तापित होती नहीं है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कोई काम की नहीं है। हमें समता, स्वातंत्र, बंधुत्व और न्याय, इस आधार पर जब तक इस राष्ट्र को हम तैयार नहीं कर सकते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए एक आदमी का एक मूल्य, जो राष्ट्र खंड खंड है, अलग अलग जातियों में जो बंद जातियां है, क्योंकि बंद वर्ग जहां पे होता है वहां पे लोकशाही, वहां पे लोकतंत्र जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। और भारत देश में ऐसा है कि यहाँ पे तो हजारों जातियां है और हर जाति बंद जाती है, और ये बंद लोगों का समूह यदि इकट्ठा आता है तो लोकतंत्र को कामयाब नहीं कर सकते। जब तक ये सारे लोग मिलके आपस में भाईचारा बनाते नहीं है, जब तक ये विचारधारा कि हमें ये यहाँ पे समता प्रस्तापित करनी है, ये लोग मानते नहीं इस बात को, इस दिशा में पहल नहीं करते, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। शूद्र पहले कौन थे? ये शूद्र जो थे ये पहले नागवंशी थे, और जो शूद्र नागवंशी थे, सारे नागवंशी पहले बुद्ध थे। और यही पे भाईचारा बनता है कि आज का ओबीसी पहले का बुद्ध है, कल का बौद्ध है, और आज का बौद्ध है ये जो दलित आदिवासी जो लोग है, ये सारे लोग, आज का बौद्ध और कल का बौद्ध यदि इकट्ठा होते हैं तो ये दोनों लोग इकट्ठा होके यहाँ पे लोकतंत्र जो है मजबूत कर सकते हैं, ये राष्ट्र को बलवान राष्ट्र बना सकते हैं, और ये एक काम कर सकते हैं कि आज तक हमने भारत देश में महात्मा गांधी जी का राज देखा, उनके विचारों से राज चलते हुए देखा, कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि लोकतंत्र का विकास यदि करना है तो उनकी विचारधारा, वो नेता की विचारधारा, उनकी मान्यता लोकतांत्रिक होनी चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि ये विचारधारा लोकतांत्रिक नहीं थी, इसलिए कामयाब नहीं हुई। गांधी जी यहाँ पे भारत में फेल हुए हैं, नेहरू जी ने, नेहरू जी के विचारों से राज चला, वो भी फेल हुआ। बीच में कुछ समय तक गोरवल जी के विचारों के आधार पे यहाँ पे कारोबार करने का, लोकतंत्र चलाने का मौका मिला, लेकिन ये भारत देश, ये राष्ट्र जो है बलवान नहीं बना, आगे नहीं बढ़ा। इसीलिए एक अभी पर्याय होता है, क्योंकि ये क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि ये सारे के सारे लोग लोकतांत्रिक थे, लोकतांत्रिक विचारधारा वाले लोग लोकतंत्र कामयाब नहीं कर सकते, ये इतिहास ने सिद्ध किया है। और लोकतंत्र को मानने वाला, लोकतंत्र की पुरजोर वकालत करने वाला और यहाँ पे रखने वाला, जिन्होंने यहाँ का संविधान को जला डाला था और नया संविधान लोकतंत्र के आधारित जो संविधान बनाया, वैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा ही इस देश को बलवान राष्ट्र बना सकती, इस देश को आगे लेके जा सकती है। लेकिन ये शर्त यह है कि कल का बौद्ध और आज का बौद्ध, ये ओबीसी और एससी एसटी, ये यदि इकट्ठा आ जाते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे यदि हम इकट्ठा आते हैं, तो हम ही राष्ट्र को, हम लोग बनते हैं और हम लोग समता वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे ऊपर किसी ने अन्याय किया था तो चलो आज खून का बदला खून लेंगे, तो वैसा नहीं है। यहाँ पे लोकतंत्र कामयाब बनाने का तरीका, लोकतंत्र की व्याख्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बिना रक्तपात से की है। रक्तपात बहाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ का संपूर्ण बदलाव जो है वो हम डॉक्टर बाबा साहब की, अम्बेडकर की विचारधारा से कर सकते हैं। यही
बात रखते हुए मैं रुख्सत लेता हूँ। धन्यवाद, जय भीम। डॉक्टर सुरेश माने सर, एक विख्यात संविधान विशेषज्ञ के रूप में उन्हें जाना जाता है। डॉक्टर माने सर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और बहुजन आंदोलन में अग्रणी है। मान्यवर कांशीराम साहब और वर्तमान में मान्यवर मायावती जी, इनके नेतृत्व में इस आंदोलन को सक्रियता से वो अग्रसर कर रहे हैं। डॉक्टर सुरेश माने सर यह बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। वर्तमान में उनके पास केरल और आंध्र प्रदेश, इन दो राज्यों के संगठन की जिम्मेदारियां है। डॉक्टर सुरेश माने सर कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हैं। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के SC/ST/OBC वेलफेयर यूनियन के वे संस्थापक अध्यक्ष हैं। मुंबई के म्युनिसिपल कामगारों के हक अधिकारों के लिए संघर्षरत बहुजन म्युनिसिपल कामगार यूनियन के भी वे संस्थापक अध्यक्ष है। डॉक्टर माने सर केवल मास लीडर नहीं बल्कि एकेडमिक लेवल पर भी वे सुपीरियर है। उन्होंने कई डिग्रियां हासिल की है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एकेडमिक लॉ और क्रिमिनल लॉ में उनकी मास्टरी है। हाल ही में अमेरिका में भी उनका सम्मान किया गया। ऐसी उम्दा शख्सियत आज हमारे बीच है और वे अपना वक्तव्य देंगे, तो मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सुरेश माने सर। हम तालियों की गूंज के साथ उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर सुरेश माने सर, भारतीय संविधान को हम हिस्टोरिकल मेथड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग भी उसी तरह से करते हैं, एनालिसिस भी उसी तरह से करते हैं। अब दूसरी एक मेथड होती है वो कंपैरेटिव एनालिसिस या कंपैरेटिव मेथड। हम अपने संविधान को दूसरे संविधान के साथ कंपेयर करके अच्छाई या बुराई या लोगों के सामने नजर लाते हैं। तीसरी जो है वो है कंटेम्प्ररी एनालिसिस। वर्तमान हालत में आप कैसे एनालिसिस करोगे? कंटेम्प्ररी इंडिविजुअल होंगे, इवेंट्स होंगे, घटनाएं होंगी, उनका एनालिसिस के साथ साथ आपका संविधान का एनालिसिस किस तरह से करोगे? और ये ज्यादा रिलेवेंट रहता है जिनको हिस्ट्री का थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो ये कंटेम्प्ररी एनालिसिस की जो मेथड है, इस मेथड को अपनाकर आज जब 63 इयर्स के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कई मुकाम हमने हासिल किए हैं या नहीं, पिछले एक साल से देश की घटनाओं की नज़र डाली, खास करके पिछले 2-3 महीने से, तो हमें कई सारी ऐसी घटनाएं परेशान करने वाली नज़र आती है, तकलीफ देने वाली नज़र आती है। खास करके आने वाले 4 स्टेट, 5 को कोई गिनता नहीं, मिजोरम को कोई गिनता ही नहीं, हम 4 ही 4 कहते रहते, 5वां उसको काउंट ही नहीं करते, जबकि 5वें स्टेट का कैंपेन बिल्कुल पीसफुल है, कोई पब्लिक रैलीस नहीं, वहाँ मिजो लोगों का एक सिविल सोसाइटी का नेटवर्क है, उसने कमांड दिए हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टियाँ वहाँ फॉलो कर रही है कमांड, चाहे पार्टी ए है पार्टी बी है, लेकिन चारों स्टेट्स की जो हालात बन रहे हैं वो एक हमारे सामने है। आने वाला पार्लियामेंट्री इलेक्शन अप्रैल मई में तो होना है किसी भी कीमत पे, वो एक हमारे सामने है। और ये दोनों घटनाओं को लेकर कई सारे नए नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज हमारे सामने आने लगे हैं। मैं जब नेशनल कह रहा हूं तो उसके साथ इंटरनेशनल भी जोड़ रहा हूं, क्योंकि इंटरनेशनल भी इश्यूज बड़े पैमाने पे जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी गवर्नेंस मैकेनिज्म कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए, इस तरह भी चर्चा कुछ कॉर्नर्स में, कुछ दिमागों में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से छेड़ चुकी है।
इतना ही नहीं तो जिसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, उस मल्टी पार्टी सिस्टम का आने वाले दिनों में क्या रूप हो सकता है, इसकी कहीं भी झलक नजर थोड़ी थोड़ी आने लगती है। इतना ही नहीं तो जो हमारी इलेक्ट्रल सिस्टम है, जिसका जिक्र संविधान में किया है, उस इलेक्ट्रल सिस्टम में भी हम किस तरह से मोड़ सकते हैं, उसको कैसे बदल कर एक नए ढंग की इलेक्ट्रल सिस्टम ला सकते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पे कॉरपोरेट का एक बड़ा बड़ा रोल होगा, पूंजीपतियों का एक बड़ा बड़ा रोल होगा, इंडस्ट्रियल हाउसेस कॉरपोरेट हाउसेस का बड़ा योगदान होगा। मैंने ये पिछले 20-25 साल में कभी ये नहीं देखा किसी की पॉलिटिकल पार्टी के मीटिंग को फॉरेन डिप्लोमेट्स को इनवाइट किया जाता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पब्लिक मीटिंग को फॉरेन डिप्लोमेट को इनवाइट करना, कौन से संकेत है ये? बड़ी गंभीरता से इस बात को देखने की जरूरत है। साथ ही साथ कुछ बातें ऐसी है कि जो देश का एजेंडा बनकर इस दोनों चुनाव में, करंट और आने वाले चुनाव में लोगों के सामने आएगी, कई सारे हैं लेकिन मैं दोनों का जिक्र करूंगा। एक है नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जैसी एक योजना, और दूसरी है फूड सिक्योरिटी जैसी योजना। ये सारे जैसे नए स्कीम सामने आ जाएंगे, उसी के साथ साथ हम और एक अपने ध्यान में रखें कि आज पॉलिटिक्स को कौन डोमिनेट कर रहा है, गवर्निंग प्रोसेस को डोमिनेट कौन कर रहा है। नहीं तो हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते रहे, जो हमें किताबों में स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाई है, और वही सिस्टम कब बदल चुकी है, कौन उसको इनडायरेक्टली हैंडल कर रहा है हमें नहीं पता, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। और इसीलिए इन सारे बातों का एक नए सिरे से अध्ययन करने की जरूरत को ध्यान में रखकर ये मैंने किताब लिखी है, और इसीलिए ये अपने अंबेडकर आंदोलन का जो एक लिमिटेड दायरा होता है, इससे हटकर है, इससे हटकर है। भले उसका टाइटल डेमोंस ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन दैट टॉक्स अबाउट क्रोनी कैपिटलिज्म, जो नया फेनोमेना है। इट टॉक्स अबाउट द करप्ट पॉलिटिकल क्लास, इट टॉक्स अबाउट मिसमैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि जो सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, जो हमेशा जिंदगी भर आज तक हम चिल्लाते आए हैं, जबकि हमारा वो चिल्लाना एक बन चुका है, अपना एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, आज भी उनकी मन में पीड़ा होगी, यार मेरे इसको जगह नहीं मिली वहां। हम जिसको कभी कभी विनोदी ढंग के रूप में कहते हैं कि मनमोहनॉमिक्स, चिदंबरानॉमिक्स, प्रणबदानॉमिक्स, इनको भी थोड़ा थोड़ा हमने कभी कभी समझना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज पॉलिटिक्स इंडिया को डोमिनेट नहीं कर रहा है, अब ये थोड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट हो रहा है, मैं बोल रहा हूं धीमे, मतलब टिपिकल दलित नेता के रूप में आक्रामक होके नहीं मैं बोल रहा हूं, इसलिए आपको वो एनर्जी नहीं लगेगी, क्योंकि एनर्जी की अपनी ताकत है, वो हाथ दौड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, उसके बिना वो एनर्जी नहीं आती। पॉलिटिक्स को डोमिनेट कौन कर रहा है, इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट कौन कर रहा है, और इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट इकोनॉमिक्स कर रहा है, इकोनॉमिक्स डोमिनेट कर रहा है। मैं अगर इसको दूसरे ढंग से कहूं तो इन आवर गवर्निंग प्रोसेस पॉलिटिक्स टेक्स द बैक सीट, इकोनॉमिक्स टेक्स द फ्रंट सीट नाउडेज। अब ये मैं या आप जैसा कोई और साथी जो मेरे से सहमत है वो 10 साल पहले नहीं कह सकता, 15 साल पहले नहीं कह सकता, क्योंकि वो हालात नहीं थे।
और इसलिए इसकी चर्चा जब हम संविधान का गौरव मेमोरी आर्टिकुलेशन करते हैं तो इसका भी उसमें अंतर्भाव होना चाहिए, इसको भी हमने समझना चाहिए। नहीं तो हमारी हालत ऐसी होगी कि जब हम पुरानी टाइपिंग मशीन चलाने वाले बने उन्होंने कंप्यूटर पे जाके बैठे, हम कंप्यूटर पे आए वो सिलिकॉन वैली में जाके बैठे, तो ऐसा ना हो। और इसीलिए खास करके अंबेडकर के आंदोलन के सभी साथियों को, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर अ पार्ट ऑफ सोशियो रिलीजियस कल्चरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अब थोड़ा ऊपर उठना होगा, उभरना होगा। ठीक है, हमारे सदियों पुराने मुद्दे कुछ है, मैं नहीं कहता कि उनको छोड़ने की जरूरत है, इसलिए पूना पैक्ट का मेरी फोर्थ एडिशन भी 26 को आ रही है। इसको छोड़ना तो नहीं है, क्योंकि बाबा साहब को जिन्होंने तकलीफ दिया उसको भूलने की कोई बात तो है नहीं, और जिसको भूलेंगे तो मुसीबत है। किंब उन्हें मैं कहूंगा कि उसको नहीं भूलना, ये हमारी असली ताकत है, ये असली ताकत है। क्योंकि बाबा साहब को एक बार पूछा था कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर स्ट्रेंथ, आप लोग कई लोग जानते होंगे, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर स्ट्रेंथ, और उन्होंने जवाब दिया था कि जिस चीज को मैं पसंद करता हूं उसके प्रति जो मेरी कमिटमेंट है वो मेरी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। और दूसरी क्या, और दूसरी उन्होंने कहा था जिस चीज से मैं नफरत करता हूं उसके प्रति जो अंतिम लेवल की घृणा होती है वो मेरी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। ये दोनों है और ये बड़ी ताकत देने वाली फोर्स होते हैं। जैसे इमोशन एक ड्राइविंग फोर्स होता है, वैसे ये अपने अपने सोर्सेस ऑफ स्ट्रेंथ कहां से आते हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि नागपुर के साथियों के सामने चलो गंभीर चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते, क्योंकि दो बार तो मैंने संविधान के बारे में बताया, ये इंट्रो के रूप में मैंने कुछ सब्जेक्ट आपके सामने छेड़े। इसलिए छेड़े क्योंकि आपको एहसास हो, ये हम लोगों का एहसास हो कि हालत बदल रहे, हालत बदल चुके हैं और बदलते हुए हालात को हमको मानना पड़ेगा। नहीं तो कांशीराम साहब हमेशा कहते थे हालात को हालात मान के चरणों, वरना हालात आपको मजबूर कर देंगे हालात को हालात मानने के लिए। यह सच्चाई है और इसीलिए आज 63 इयर्स हो चुके संविधान को, गर्व की बात है, फक्र की बात है, होना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान पूरा करने के बाद 25 नवंबर को जो भाषण दिया आखिरी, ग्लोरीफाई तो किया लेकिन वार्निंग भी तो दिया, आधा भाषण पूरा ग्लोरीफाई का है, प्रोसेस का है, आधा भाषण पूरा वार्निंग का। हमें भी इस तरह से अपने आप को उस लेवल पे लाना पड़ेगा, उस लेवल पे। और इसलिए मुझे कभी कभी पूरज जी लोग पूछते कि आप इतने घूमते फिरते हो, किताब कैसे लिखते हो, क्योंकि ये वेकअप इंडिया सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड आने वाला है इलेक्शन कमीशन के ऊपर और थर्ड आने वाला है जुडिशरी के ऊपर, और ये सारे प्रोजेक्ट चुनाव के पहले पूरे होंगे, चुनाव के पहले, क्योंकि हमारा जो वर्कर है, हमारा जो साथी है, उसको भी किसी लोगों को भिड़ने के लिए कोई आर्मामेंट की जरूरत होती है ना, वो कहां से लाएगा आर्मामेंट, आर्मामेंट कहां से लाएगा, आर्म्स कहां से लाएगा, और जिसके पास मॉडर्न वेपनरी नहीं है वो मुकाबला कैसा करेगा भाई, कॉम्पिटिटिव वेपनरी नहीं है वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। और इलेक्ट्रल फील्ड भी एक बैटल फील्ड है, ये भी तो बैटल फील्ड है ना। कोई कहेगा कि ये फूड सिक्योरिटी ये जो बिल है ये आपके लिबरेशन का मैनिफेस्टो है, तो मुझे वो ताकत होनी चाहिए, मेरे लिबरेशन का मैनिफेस्टो नहीं, ये मेरे स्लेवरी का मैनिफेस्टो है। जब तक हमारे लोग वो तैयार नहीं होंगे उस लेवल पे नहीं आएंगे। और एक देखो, आम वर्कर ये सारा काम नहीं कर सकता, आम वर्कर किसी भी संगठन का हो, ये कुछ लोगों को ही करना पड़ता है, ये कुछ लोगों को ही करना पड़ता है, ये सारे लोगों से काम नहीं हो सकता। और इसीलिए ये तीनों पार्ट्स में जो इलेक्शन के पहले जिसका जो भी जिक्र आएगा
उसका मुकाबला करने वाली बात मेरे वर्कर को, मेरे साथी के अंबेडकर के आंदोलन के साथी को एक मिलनी चाहिए, ताकि उसको इधर उधर ना देखना पड़े कि मैं इसका मुकाबला कैसे करूं। और ये बात को ध्यान में रखकर मैं आपको सब्जेक्ट की ओर जब लेता चलूंगा, तो आपने सब्जेक्ट ही लिखा है कि हम भारतीय, सवाल उठाया। अब हम भारतीय, तो रामदास फुटेनची मराठी मध्ये कविता है, कधी कधी माझा भारत देश आहे, है ना, असे काहीतरी मराठी मध्ये आहे। वैसे हम भारतीय कौन भारतीय डिफाइन ही नहीं होता, लेकिन संविधान तो वी अडॉप्ट हियर बाय एंड गिव्स टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे 26 नवंबर 1949। ये है ना, उस वक्त कई लोगों ने जब बना तब यह सवाल उठाया था कि ये सारे लोग थोड़े हैं इसमें, हम कैसे कहिए हम भारतीय है। ये तो सवाल जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ उसी वक्त क्रिटिसिज्म के रूप में लाया, जो कई सारे क्रिटिसिज्म आए थे, खास करके कम्युनिस्ट के माध्यम से, हिंदू महासभा के माध्यम से, आपके नागपुर में एक बड़ा स्टोर हाउस बना है, उस स्टोर के हाउस के माध्यम से, बेचारे स्टोर हाउस की हालत कभी कभी खराब होती है, वो बात अलग है, वो स्टोर हाउस के माध्यम से कई सारे क्रिटिसिज्म एलिगेशंस आए थे, कई थे। किसी को संविधान में गांधी नजर आ नहीं आ रहा है, किसी को संविधान में अपना रिच कल्चरल हेरिटेज नजर नहीं आ रहा है, किसी को अपने संविधान में गाय माता का संरक्षण नजर नहीं आ रहा है, किसी को इस संविधान में अपने इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ग्राम व्यवस्था का दर्शन नहीं हो रहा है। बहुत से दुखी आत्मे थे, दुखी आत्मे बहुत थे। ये सारे दुखी आत्माओं की ये भी एक दर्दनाक आवाज थी कि हम कहा इसमें, हमने थोड़े भेजे थे इनको, हमने थोड़े चुने थे इनको, हमने थोड़े इनको अधिकार दिया था बनाने को, हमने थोड़ा चुना था बाबा साहब को। ये दर्दनाक कहानी में ये भी एक है, और ये अलग अलग क्वार्टर से आई, कोई लेफ्ट था कोई राइट था, जिसको खुद को पता नहीं था वो भी ऐसे थे, वो कहाँ है लेफ्ट है या राइट है, ये भी ऐसे थे, आदि धोती वाले तो बहुत सारे थे, मतलब इनके हर एक की थी, हम यहां कहाँ है, ये हमारा कहाँ है। अब अज्ञान की भी कोई सीमा होती है, अब जिन्होंने पिडिजा ठेका लिया है कि हमारे सिवा किसी को ज्ञान का पता ही नहीं होता, उनसे ज्यादा अज्ञानी लोग इस मामले में कोई सामने नहीं आए। अरे भाई, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भी तो ऐसा ही है ना, वो भी तो ऐसा ही है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अपना तो वहीं से आया ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आया तो उसमें तो निगरों को तो जगह ही नहीं थी, ब्लैक अमेरिकन को, अफ्रो अमेरिकन को जगह ही नहीं थी, उसके एग्जिस्टेंस की कोई बात ही नहीं थी, उसके ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन राइट की कोई बात ही नहीं थी, उसके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेशन की कोई बात नहीं थी, उसको वोट देने का अधिकार नहीं था, उसने कभी नहीं कहा है इसने, अरे हम कहा है इसमें। स्लेवरी को तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया था 1787। फिलाडेल्फिया में जब अमेरिका के लोग संविधान बनाने में बोले तो उनको क्या पूरे अमेरिका के लोगों ने चुन के भेजा था क्या? नहीं था। आज 50 स्टेट है अमेरिके, उसमें थोड़े 50 थे, 13 थे, 13 सिर्फ 13 थे, बाद में जुड़ते गए, कारवा बढ़ते गया, जुड़ते गए, ये बाद में जुड़ते गए, आज 50 हो गए, तो क्या उन्होंने चुना था? दुनिया का किसी इतिहास, किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का, राष्ट्र का इतिहास नहीं है कि संविधान बनाते वक्त सारे लोग उस इलेक्शन प्रोसेस में या जो चुनाव करने की प्रक्रिया उसमें शरीक होते। कौन सा देश है ऐसा भाई?
पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उठाकर देख लीजिए, मैंने तो एलएलएम को 20 साल पढ़ाया, कूली से लेकर डायसे तक सारे एक्सपर्ट देके मेरे तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। टोपे साहब थे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, स्कॉलर थे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, उन्होंने कहीं नहीं लिखा है। दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के स्कॉलर है, उन्होंने कहीं नहीं रखा है। लेकिन इंडिया में सवालों की कोई कमी नहीं होती। ये सवाल उठा गया कि वी द पीपल, ये कहां तक सही है भाई, इसमें हम थे ही कब? वी द पीपल हमें तो पता ही नहीं था कब बना, हमने थोड़े चुना था। लिमिटेड फ्रेंचाइज के आधार पर चुनी गई पार्लियामेंट्री, चुनी गई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के माध्यम से बना हुआ संविधान हमें अस्वीकार है, ऐसे कहने वाले लोग बहुत थे, आज भी होंगे। चोरी छिपे तो हो सकते, खुले तो नहीं बोल सकते, तो हो सकते ना, अब खुले नहीं बोल सकते। जैसे ये अपना फ्लैग है, ये ट्रिकलर फ्लैग है, अब जैसे उसमें अशोक चक्र है, अशोक चक्र आया तो भी बहुत से लोगों को दुख हुआ था ना, आज भी उनकी मन में पीड़ा होगी, यार मेरे इसको जगह नहीं मिली वहां। अब सबसे दुखी तो मोहनदास करमचंद गांधी था, उसने कहा तो ऐसे फ्लैग को मैं कभी सलाम नहीं करूंगा, पहली कंटेम्प्ट केस किसी के ऊपर होती तो बोले नहीं, चरखा को छोड़कर उसमें, बाबा साहब भी महावस्ता थे, वो हिंदू महासभा के लोग, बाबा साहब बॉम्बे से दिल्ली जाने के निकले, वो फ्लैग कमेटी की मीटिंग थी, उन्होंने अपना वो भगवा फ्लैग पैक करके बाबा साहब को दिया। अब यही तो बाबा साहब से सीखने वाली बात है। अब क्या है, हम बाबा साहब को मानते हैं ना, उनको उनसे थोड़ी सीखने की बात में बहुत कम पड़ जाते। अब बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, ले 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 रख ले, भले बाबा साहब इसकी डिमांड करो, हाँ करूंगा। अगर किसी ने दूसरे ने प्रपोजल लाया तो मैं उसका समर्थन करूंगा, प्रपोजल लाएगा कौन? ना नहीं कहा था बाबा साहब से, कहीं और ऐसी बातें जो हमें सीखने के एक अलग अलग ढंग से है, एक रोल मॉडल के रूप में और कहीं कई बातें। तो ये सारे लोग कह रहे थे कि इसमें हम है नहीं, हमने चुना नहीं। इवन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इसकी बहस हो गई कि वेदर दिस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द कॉम्पिटेंट टू इनैक्ट ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट। दो कारण थे, एक मुस्लिम लीग का ना होना, दूसरा लिमिटेड फ्रेंचाइज के आधार पर बनी हुई कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, लिमिटेड फ्रेंचाइज, क्योंकि ये कोई मास इलेक्शन नहीं था सारे लोगों को अधिकार, और 46 में सारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं था, इस बात को भी ध्यान में रख लो। और बाबा साहब की जब तक बात समझनी है तो बाबा साहब की पहली डिमांड 1919 की है, 1919 व्हेन ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी इन सिडनम कॉलेज, हिज फर्स्ट डिमांड दैट ऑल पीपल ऑफ दिस कंट्री शुड गेट राइट टू वोट। मी घटना समितीमध्ये निवडून येऊ नये म्हणून काँग्रेसने सर्व ठिकाणी कुलुपे लावली। तब बाबा साहब का कोई संगठन नहीं था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा नहीं थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नहीं थी, बाबा साहब को सिर्फ उनकी राय पूछी गई थी, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट महार ग्रेजुएट ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी दैट टाइम, फर्स्ट महार ग्रेजुएट मतलब पढ़ा लिखा आदमी, ग्रेजुएट आदमी, इसीलिए उनकी राय पूछी थी कि व्हाट इज योर ओपिनियन, एंड ही सेज एवरीवन शुड गेट राइट टू वोट। ये दो कारणों से विरोध हुआ था कि नहीं, कॉम्पिटेंसी नहीं है, जयकर यही मार खा गए थे, जो जयकर को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से बाहर जाना पड़ा तो जयकर यही मार खा गए थे। अब देखो जयकर कोई ओरिजिनली कांग्रेसमैन तो है नहीं, देखो यही इसी को हमको समझना चाहिए, जयकर कोई ओरिजिनल कांग्रेसमैन है नहीं, सप्रू कोई ओरिजिनल कांग्रेसमैन नहीं है, लेकिन ये सारे संविधान सभा में पहुंचे थे। अब बाबा साहब ने उसके बारे में क्या कहा वो सुनने लायक है, पढ़ने लायक। और बाबा साहब का ये भाषण पूना का है, और इस भाषण में बाबा साहब ने क्या बताया ये संविधान सभा के बारे में, क्योंकि हम लोगों की बहुत गलत फहमी रहती है, चलो
मैं बताऊ ये बताए तो हो सकता है गलतफहमी बढ़ जाए, तो सब सुलझाने के लिए चलो बाबा साहब को ही देख लेते, वो खुद बताते तो अच्छा। ये हम लोगों को बहुत आदत लगी कि वाया वाया चले आकर। एक बार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जिंदा था और उसके लिटरेचर के ऊपर सारी बहस हो गई थी, और एक आदमी कहता है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये कह रहा है, उसका ये कहना है। दूसरा कहता है नहीं नहीं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये नहीं कहना है, वो कहना है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है यार मैं हूँ ना इधर, मेरे को पूछो ना मुझे क्या कहना है। अब मुझे पूछे बगैर उसको ये कहना है उसको वो कहना है, अपने लोगों में ये बहुत आदत है। और फिर उसके कई कई कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म पैदा होते हैं, इसलिए चलो बाबा साहब को ही देखते हैं। क्योंकि मैं अगर ये कोई रोकूंगा तो पूरन जी कहेंगे माने साहब बीएसपी वाले ना ते आशीष बोलना। मी मंडार पूरन जी आशीष बोलना। हे आपल्या तिकाय धापडबंद चष्म्याच्या अडचणी असतात त्यातल्या ह्या अडचणी आहेत। बाबासाहेब काय म्हणतात बघा, बाबासाहेबांचं भाषण आहे 21 जुलै 1946 पुणे येथील अहिल्याश्रम। आणि बाबासाहेब असं म्हणतायत की माझ्या मागे हिंदुस्थानातील सर्व अस्पृश्य समाज आहे, याला बंगालमधील निवडणुकीचा पुरावा देता येईल, कारण ते तिकडून निवडून आले। कारण बंगालमध्ये काही महार नाहीत, सरळ सरळ शब्द आहे, बंगालमध्ये नामशूद्र जात आहे। मग या नामशूद्रांनी मला निवडून दिले। आता माझा सवाल आहे की मी हिंदुस्थानातील सर्व अस्पृश्यातला पुढारी नाही, जर असे तुम्ही म्हणता तर मी बंगालमधून कसा निवडून आलो। हे एक बाबासाहेब मांडत। पुढच्या पॅरेग्राफमध्ये मांडतं ते फार महत्त्वाचं आहे, कारण घडामोडीमध्ये त्याचा संदर्भ येतो। बघा पुढच्या पॅरेग्राफमध्ये असं म्हणतात की अस्पृश्य समाज ही हिंदुस्थानातील एक स्वतंत्र जमात आहे, इंडिपेंडंट आयडेंटिटी त्यावेळेची गोष्ट, अशी ब्रिटिश लोकांनी अनेक वेळा घोषणा केली, परंतु कॅबिनेट मिशनने आपल्या योजनेत अस्पृश्य समाजाचा थोडे देखील नामनिर्देश केला नाही। कॅबिनेट मिशन प्लान एक महत्त्वाची कमिशन होतं जे भारत स्वातंत्र्यपूर्वीच्यावरती बऱ्याचशा घडामोडी त्याच्या आहेत। अस्पृश्य समाजाला त्यांनी वगळले आणि त्याच वेळी मी घटना समितीमध्ये जाण्याचा निश्चय केला। कारण येत आहेत पुढच्या पॅरेग्राफमध्ये म्हणतात ते फार महत्वाचं आहे। पुढे असं म्हणतात की अस्पृश्य समाजाच्या कल्याणासाठी माझे घटना समितीमध्ये जाणे अत्यंत जरुरी होते। मी घटना समितीमध्ये निवडून येऊ नये म्हणून काँग्रेसने सर्व ठिकाणी कुलूपे लावली। आपल्यात काय काय टगे टगे समजत ना, इकडे विदर्भामध्ये टगे आहेत विदर्भामध्ये। वो आज भी कहते नाही नाही वो बाबासाहेब काँग्रेस के कारण गए, गांधी मिला नेहरू को, नेहरू मिला गांधी को, दोनों ने फैसला किया, बाबासाहेब चले गए, बस हिस्ट्री का पूरा सत्यानाश। बहुत सत्य। देखो बाबासाहेब क्या कह रहे, मी घटना समितीमध्ये निवडून येऊ नये म्हणून काँग्रेसने सर्व ठिकाणी कुलूपे लावली। महाराष्ट्रात जी काही थोडी माणसे मोठी आहेत त्यामध्ये नामांकित म्हणून माझी गणना होणार नाही असे म्हणणारा माणूस मूर्ख असला पाहिजे। बघा बाबासाहेब आहे ते, बाबासाहेबांच्या भाषेत कणखरपणा फार मजबूत आहे। मूर्ख असला पाहिजे। आणि पुढे असं म्हणतात घटना समितीच्या निवडणुकीसाठी तुम्ही उभे रहा म्हणून बॅरिस्टर जयकरांना काँग्रेसनं पत्र पाठवलं, धाडलं। धाडलं शब्द प्रयोग आहे। जयकरांना कुणी पत्र पाठवलं? काँग्रेस। मिस्टर मुन्शींना बोलवण्यात आलं, के एम मुन्शीला, आणि पुष्कळांना आमंत्रणे पाठवली। कुणी पाठवली? बाबासाहेब पुढे म्हणतात ते फार महत्वाचं आहे। ते म्हणतात इतक्या सुवासिनीमध्ये मला देखील त्यांनी कुंकू लावायला पाहिजे होते। समजलं? म्हणजे मी त्यांच्यापेक्षा काही कमी नव्हतो। महाराष्ट्रात जी काही मोजकी माणसे आहेत त्याच्यामध्ये माझा समावेश होतो। जयकरला बोलवलं, मुन्शीला बोलवलं, मला का नाही बोलवलं?
पुढे असं म्हणतात, इतक्या सुवासिनीमध्ये मला देखील त्याने कुंकू लावायला पाहिजे होते, परंतु मला कसे तरी रांडव करण्यासाठी त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केले, रांडव आटोकाट प्रयत्न केले। अब ऐसे शब्द को तो भूलने नहीं चाहिए ना, म्हणून आम्ही कधी कधी राजकीय व्यासपीठावर बोलतो ना की ज्यांनी आंबेडकरांना रांडव करण्याचा प्रयत्न केला त्यांचं रांडव आपण केलं पाहिजे, हे त्याचं उत्तर आहे। बाबासाहेब म्हणतात की कसे तरी मला रांडव करण्यासाठी त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केले, म्हणून मी मुंबई सोडून बंगालमध्ये सुखाने नांदावयास गेलो आणि महार नसताना देखील निवडून आलो। पॅरेग्राफ छोटा आहे, खूप सांगून जातो, बहुत कुछ बताता है ना। ये एक पैराग्राफ से जो बहुत से गलत हिस्ट्री की जानकारी दी गई है कि बाबा साहब इसके मेहरबानी से पहुंचे, उसके मेहरबानी से पहुंचे। मुझे लगता है आरआर भोले ने भी एक किताब के किसी प्रिफेस में, शायद वो लोखंडे की किताब है पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ अम्बेडकर या और कोई हो सकती है, आरआर भोले ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो कांग्रेस के सारे। बाबा साहब बता रहे ना, 25 नवंबर बाबा साहब का आखिरी स्पीच, लास्ट। बाबा साहब के 3 स्पीच पढ़ो कभी भी, एक उनका फर्स्ट स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन 17 दिसंबर 1946, ये पहला स्पीच, मैडन स्पीच, जिसमें पूरी असेंबली हिल जाती है और बदल जाती है, अंबेडकर कांग्रेस को वहां मिलते हैं। दूसरी है 4 नवंबर 1948, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस होता है, और लास्ट है 25 नवंबर 1949, जो आखिरी स्पीच है एडॉप्शन के 26 नवंबर के पहले का। अब ये 25 नवंबर के स्पीच में बाबा साहब एक तरफ से वाइंड अप कर रहे हैं ना पूरी प्रोसीडिंग, 2 साल 11 महीने 17 दिन की जो प्रोसीडिंग है उसको तो वाइंड अप कर रहे हैं, और वाइंड अप के रूप में, क्योंकि 26 को कोई प्रोसीडिंग नहीं थी, खाली 24 को वो समर्पित करना था, राजेंद्र प्रसाद को देना था, और उस दिन वो रिजोल्यूशन पास करके अडॉप्ट करना था, क्योंकि प्रोसेस तो 25 को पूरी हो जाएगी। तो बाबा साहब का जो आखिरी भाषण है 25 का, 25 नवंबर का, देखो आप गहराई से पढ़िए, मेरी तो खुद की किताब है द मैन हु क्वालिफाइड इंडियन इंडिपेंडेंस, जो लास्ट टाइम मैंने कई साथियों को दी है, जो उसके ऊपर पूरा प्रकाश डालती है। और 25 नवंबर के स्पीच में संविधान बनाने के लिए कौन कौन से लोगों की मदद हुई, तो सेक्रेटरी का भी नाम लेते हैं ना बाबा साहब, वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी का सेक्रेटरी था, कोई मुखर्जी बिकर्जी ऐसे जो सारे लोग थे उनका भी नाम लेते, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का पार्ट नहीं था, बी एन राव कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का पार्ट नहीं था, वो द एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, बाहर थे, उनका भी नाम लेते, सबका नाम लेते हैं। कई भी जगह पे अंबेडकर, नेहरू और गांधी और पटेल का नाम नहीं लेते कि इनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, नहीं करते, एक भी लाइन दिखाए, एक भी वर्ड दिखाए। और बाबा साहब इतने ये नहीं थे कि वो झूठ बोल देंगे, नहीं बोलेंगे झूठ, अगर उनके ऊपर एहसान किसी ने किया होता तो ऑनेस्ट अंबेडकर वुड हैव रिकॉर्डेड, डेफिनेटली रिकॉर्डेड, क्योंकि उतनी पॉलिटिकल मोरालिटी बाबा साहब के पास है, थी, अपराइट मोरालिटी है, पॉलिटिकल मोरालिटी। अगर किसी ने सचमुच मदद की होती बाबा साहब को तो ही वुड हैव डेफिनेटली रिकॉर्डेड, और अगर मदद ही नहीं किया तो वाई ही विल रिकॉर्ड, क्यों रिकॉर्ड करेंगे। और अगर बाबा साहब ने रिकॉर्ड नहीं किया है तो हम रिकॉर्ड करने की कोशिश क्यों करें। अब सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है ना? लेकिन पूरे भारत में मार्केटिंग करने की आदत गांधी के चेलों के पास है, बाबा के चेले के पास बहुत कम है। वाई ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मोहनदास, मार्केटिंग कैपेसिटी है। हमारे पीएस बोल रहे थे, उन्होंने अपने भाषण में नाम लिया गांधी का महात्मा, इसके आगे कभी भी महात्मा मत कहो। हम लोगों ने कुछ चीजों का धिक्कार कंप्लीटली करना चाहिए। अब कोई बोलेगा यार काय के लिए इतने छोटी छोटी चीजों में पढ़ने का, कोई कह सकता है मिडल बुद्धास मिडल पाथ,
चलो काय के लिए कन्फ्रंटेशन करने का? कन्फ्रंटेशन नहीं, क्लैरिटी। कन्फ्रंटेशन नहीं, क्लैरिटी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। सोशियो पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस में एब्सोल्यूट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये क्लैरिटी अगर हमारे पास नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और जो लोग दिक्कत वाले लोगों की लीडरशिप करते हैं वहां तो और फिर दिक्कत बढ़ेगी। और इसीलिए बाबा साहब की संविधान के साथ जो जुड़े हुई बातें हैं उसको कई लोग तोड़ मरोड़ के रखते हैं, आज भी रखते हैं। मैंने कहा उनके पास स्किल है वो और कैपेसिटी है। स्किल होना एक अलग बात है, कैपेसिटी होना एक अलग बात है। मतलब मैं बहुत अच्छे बोल सकता हूं लेकिन दोनों बाजू में दो गंडे खड़े हैं, गुंडे खड़े हैं वो गन लेके, तो बोल ही नहीं सकता। अच्छे बोल सकता हूं लेकिन शक्ति नहीं मेरे पास बोलने की, कैपेसिटी नहीं है। तो उनके पास कैपेसिटी भी और स्किल है, इसके लिए उनका मार्केटाइजेशन होता है, हमारा मार्केटाइजेशन नहीं होता है, कम होता है। अब सुबह मैं आवाज इंडिया टीवी अमन ने मुझे लगा के दिया तो उसमें वो एक एड आ रही थी, कौन सा, वो कांशीराम टाउनशिप, कौन सा कांशीराम जी पार्क। बोला बना कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन कांशीराम के नाम पे तो बिकने की अच्छी स्किल है। ये जो स्किल है मार्केटिंग की स्किल जो है वो स्किल भी होना बहुत जरूरी है, कैपेसिटी होना जरूरी है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन के सारे फंडामेंटल की, सारे इंटेलेक्ट, सारे डिस्कोर्सेस की, सारे प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो हम पहले सवाल अपने आप से खुद पूछे कि क्या हमारे पास उसकी मार्केटिंग करने की कैपेसिटी है और उसको इन्फोर्स करने की कैपेसिटी है। ये बुनियादी सवाल है। किसी ने कहा है ना, तो इधर उधर की बात मत कर, ये तो बता ये कारवा क्यों लुट गया, अब घूमते फिरते रहने का इधर उधर, ये बता कि ये लुट क्यों गया। क्या हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया की बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के लिए सबसे तगड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है? आज 63 इयर्स के बाद अगर मैं ये कहने की हिम्मत करूंगा तो मेरा जो चेला है, फॉलोअर है, वो तो तालियां बजाएगा, लेकिन एनिमी जो अगर मेरा कोई ऑडियंस में बैठा होगा बेवकूफ है। इसके संविधान को कब ही हमने उधेड़ के खदेड़ दिया है इसको पता ही नहीं है, वो कहेगा मन में, कहेगा ये कहता है संविधान संविधान, इसके संविधान को हमने कभी उधेड़ के खदेड़ दिया इसको पता ही नहीं, बेवकूफ है, चिल्लाने दो। अच्छा 63 इयर्स हुए, सोशलिज्म वर्ड तो अभी भी है, कौन कहेगा आज हम सोशलिज्म में हैं, जीते हैं? क्योंकि लोगों ने पहले एक सब्जी खाते थे, आजकल दो दो खाते हैं। इयर्स के बाद जिस जिक्र किया था बाबा साहब ने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, कि यू मेक इट इज अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, अदरवाइज इट इज अ यूजलेस, फ्यूटाइल टू हैव अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। आज हम 63 इयर्स के बाद सोचे, क्या हमने उस पर्व में कदम रखा है? इंडिया ने कदम रखा है? इसलिए तो बाबा साहब ने बुनियादी सवाल पूछा ना, कि इंडिया को डेमोक्रेटिक सिस्टम कोई न्यू तो है ही नहीं, बुद्धा के जमाने में भिक्खु संघ का सारा कामकाज, ये तो बाबा साहब 25 नवंबर को संविधान सभा में बता रहे हैं ना, कोई प्राइवेट अपने चेले चपाटों की मीटिंग में नहीं बता रहे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बता रहे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड डेमोक्रेटिक कल्चर टू दिस कंट्री इज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ द बुद्धिज्म, द भिक्खु संघा, द फंक्शनिंग ऑफ द भिक्खु संघा। और फिर वो बाबा साहब सवाल दोहराते कि क्या वो जैसा समाप्त हुआ ये भी होगा, ये भी होगा? क्योंकि बाबा साहब इस बात को जानते थे, इंडिया इज अ बेसिकली अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी, बाबा साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये अनडेमोक्रेटिक सॉइल में डेमोक्रेसी का प्लांट लगाना बड़ी मुश्किल चीज है। इसलिए उनका 25 नवंबर का भाषण भी देखो,
वो नहीं, वो सब कहते कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू से दैट डेमोक्रेसी इज द ओनली बेस्ट मॉडल, वो भी ये भी क्लेम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। कई बार उन्होंने भाषण देते वक्त कहा कि व्हाट इज द इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी इज नथिंग बट मियरली टॉप ड्रेसिंग ऑन द अनडेमोक्रेटिक सोशल ऑर्डर। एक मुलामा है, चढ़ाव है, जिसका जिक्र किया हमारे वंजारी साहब ने, जिसमें कम्युनल मेजोरिटी विल ऑलवेज रूल एंड नॉट अ डेमोक्रेटिक मेजोरिटी। ये बाबा साहब जानते थे ना सारी बातें। अब इसको सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाने के चक्कर में 63 इयर्स का हमारा जर्नी क्या, हमारा मतलब इंडिया का, हमारा मतलब ये नहीं कि अपने सिर्फ बुद्धम सरनम गच्छामि करने वालों का, ये इंडिया का जर्नी क्या है। कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं 10% पहुंचे, 25%, क्योंकि नकारा भी तो कंप्लीटली नहीं जा सकता, चेंज तो रूल ऑफ नेचर है, होगा ही। लेकिन 63 इयर्स में अगर बाकी काउंटर फोर्सेस या काउंटर मेजर्स का अगर ग्रोथ 60% है तो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का ग्रोथ कितना परसेंट है, इसको भी तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा ना। बाबा साहब ने कहा कि इसको सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की तरफ ले जाए, कहां जा रही है इंडियन डेमोक्रेसी, कहां जा रही है, बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। और यह सवाल को अगर जब जवाब ढूंढने की हम कोशिश करें तो 1916 में आपको एक फेमस ऑथर मालूम है, गुनर मार्डल नाम का, जिसकी वेरी फेमस किताब है एशियन ड्रामा। और एशियन ड्रामा में लॉर्ड गुनर मार्डल कहता है कि इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट, सॉफ्ट स्टेट में सिटीजन को ज्यादा कुछ अपेक्षा ही नहीं होती, सॉफ्ट स्टेट है, ज्यादा अपेक्षा ही नहीं होती। अब इसको अगर आप तुकाराम के अभंग के साथ अगर जोड़ दे, ठेविले तैसे अनंत चिरावे उगत भानगडीत पडू नये, हे तर मराठीत कसं सांगायचं तुम्हाला, फटालिस्टिक टेंडेंसी, फटालिस्टिक टेंडेंसी। सो यू डोंट हैव एज ओल्ड इंस्टीट्यूशंस, यू हैव डॉक्ट्रिन्स लाइक दिस फटालिज्म, मतलब आउटडेटेड इनह्यूमन अनसाइंटिफिक इंस्टीट्यूशन की तो भरमार है, इंडिया में जितने हैं उतने दुनिया में किसी लेबोरेटरी में नहीं मिल जाएंगे। और उसके साथ ये डॉक्ट्रिन ऐसे है फटालिज्म, छे भी लेते से अनंत चिरावे। आपल्याकडे मी खेडोपाडी, मी 10वीपर्यंत गावाला होतो, त्यामुळे गावची कल्चर मला माहित आहे। एखादं पोरग शाळेत शिकलं नाही तर आमची ती शेजारची बाई त्या पोरावर चिडून म्हणायची, रान सटवी रात्री आली होती लिवायला तेव्हा तू कुठे गेला होतास, आता काय ते हे समजलं तुम्हाला काय म्हणाला ते, आहे का इकडे विदर्भामध्ये पण असेल ना, ऐसा होगा ना, कहते होंगे, क्योंकि ये लगभग पूरे इंडिया में ये पैन इंडिया फेनोमेना रहता है, लैंग्वेज एक बदलती है, मेथड बदलती है, मतलब ये इस काइंड की टेंडेंसी है। तो इंडिया में कौन सी इलेक्ट्रिसिटी के लिए फैक्टर जिम्मेदार है, तो ये भी एक फैक्टर है ना। आज जब हम बात करें, मैंने इसी के कहा कि आज हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से लेकर जो बाबा साहब चाहते थे सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की तरफ क्या बढ़ रहे हैं, बढ़े तो कितने परसेंट में सफल है, कितने परसेंट असफल है, हिसाब किताब तो करना पड़ेगा ना, इवैल्यूएशन तो तब होगा, जय जयकार करके तो नहीं होगा। इतना ही नहीं, आप उदाहरण के तौर पे देख लो कि मार्क्सिस्ट डॉक्ट्रिन में ये कहा था कि सोवियत रिवॉल्यूशन या किसी भी कंट्री में रिवॉल्यूशन आएगी तो पहले डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट होगी, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट में सोशलिज्म आएगा, और सोशलिज्म की ट्रांजिटरी स्टेज से वो समाज गुजरता गुजरता हुआ कम्युनिज्म की तरफ बढ़ेगा, और फिर स्टेट वाइदर होगा, खत्म होगा, नष्ट होगा। कभी हुआ, कौन से देश में हुआ, सोवियत यूनियन में हुआ, चाइना में हुआ, अल्बेनिया में हुआ, जेकोस्लाविया में हुआ, नहीं हुआ। वो कम्युनिज्म के स्टेज के जाने के पहले ही बीच में सारे ऑपरेशन हो गए, अबॉर्ट हो गए, कभी कभी अबॉर्ट। हम उसी लॉजिक को अपनाकर अपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ देखें कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट्री है वो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनना जरूरी था, दैट वॉज द क्रक ऑफ बाबा साहब अंबेडकर। उसकी दिशा में हम बढ़े हैं क्या, क्या और कोई दिशा में बढ़े,
और आज मैं आपको थोड़ा बहुत ये कह दूं कि मैंने शुरू में इसकी हिंट दी कि आज पॉलिटिकल प्रोसेस पॉलिटिकल फोर्सेस डिटरमिन नहीं कर रहे, आज पॉलिटिकल प्रोसेस को इकोनॉमिक फोर्सेस डिटरमिन करने लगे। और ये दौर कब का है, कब का है? ये 91 का है, जब बेचारे हमारे बेचारे 1991 में बन गए बाय डिफॉल्ट, समझ गए? बाय डिफॉल्ट बोलोगे तो कैसा बाय डिफॉल्ट? तो ये कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम का थोड़ा इलेक्शन है, वो बने, ये तो डिफॉल्ट बने ना। प्रोफेसर भी लोग बहुत बाय डिफॉल्ट बनते हैं, इंजीनियर भी लोग बहुत बाय डिफॉल्ट बनते हैं, मतलब जिसको कहीं नहीं जाना होता है वो कहीं ना कहीं गिर जाता है, वो उसमें आता है बाय डिफॉल्ट। अब मैंने अपनी किताब में कोट किया है, मित्रा को, इकोनॉमिस्ट को कोट किया है कि मनमोहन सिंह बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक, नॉट बिकॉज ऑफ द चॉइस ऑफ द इंडियंस। ये मित्रा का स्टेटमेंट है, मैंने कोट किया है। मैं अपने कंधे पे क्यों जिम्मेदारी ले लूं, क्योंकि कानून का आदमी हूँ। अब पुलिस वाले बेचारे कैसे भी क्या कुछ भी कर सकते हैं, जो काम करना है वो बिल्कुल नहीं करते। वो पूना में आदमी मर गए, इनको आज तक कोई मिलता नहीं। कौन बेचारा पूना में मर गए? वो दाभोलकर, वो नहीं मिल गया। अब देखो कितनी गवर्नमेंट फोर्सफुल है ना। डेलाइट मर्डर होती है और पूरे स्टेट मशीनरी को लगभग 3 महीने होने को आए, एक पता नहीं चलता। कितने हम पावरफुल हैं। और कभी कभी तो हम स्टेट के मशीनरी का इतना बड़ा इस्तेमाल करते कि किसी एक लड़की के पीछे लगा देते, वो कहाँ जा रहे ढूंढ ले भैया। और इधर आदमी मर गया उसको ढूंढने को पता नहीं। अब ये भी तो गवर्नेंस है ना, अब ये गुड गवर्नेंस है और ये बैड गवर्नेंस है, इसकी भी तो चर्चा करनी चाहिए। मैंने मित्रा को कोट किया कि बाय डिफॉल्ट ही बिकेम द डेस्टिनी मेकर, इकोनॉमिक डेस्टिनी मेकर। और 91 से लेकर अभी तक। और अभी तो आज की अगर हम गवर्निंग प्रोसेस को देखें तो हमें मिसालें मिलती है। दिल्ली में एक सरकार बैठी है, वो किसकी सरकार है इस बात को भी छोड़ दो, क्योंकि फिर अगर हम किसकी है तो बोलेंगे आप उस पार्टी के, आप उस पार्टी के इसलिए ऐसे बोल रहे। मैं आपको पूछ रहा हूँ, इसको भी छोड़ दो, दिल्ली में जो भी बैठा है उसका एक उदाहरण के तौर पे ले लो कि महंगाई के बारे में क्या सारे लोगों के बयान एक साथ समान आते हैं? एक ले लो एग्जाम्पल, एक। कांदा महंगा क्यों है? कोई जवाब नहीं। ओनियन महंगा क्यों है? शरद पवार जवाब एक देगा, वो थॉमस है जो फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर है, उसका जवाब दूसरा है। शरद पवार एक फोरकास्टिंग करेगा कि आने वाले दिनों में महंगाई ओनियन की कम होने वाली है, क्योंकि मेरे ही चेलों ने रखा है उधर, ये ऑफ द रिकॉर्ड। क्योंकि ये 3 बार हो गया, हर चुनाव के पहले वो ओनियन है ना, वो ओनियन अपना काम कर जाता है और हर समय वो भविष्यवाणी होती है। अब मुझे बताओ, एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान एक, फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर मिस्टर थॉमस उसका बयान एक, और कपिल सिब्बल के बयान की तो कोई हद ही नहीं होती। और लॉ मिनिस्टर है वो, पढ़ा लिखा आदमी, वकील आदमी है, सारे वकील थोड़े ठीक ठाक होते हैं, ये भी समझ लो। अब उसने तो कहा कि क्या ओनियन बेचना क्या सरकार का काम है क्या, ट्रेडर को पूछो। मुझे बताओ ये कोई लेवल है क्या? अगर कोई मीडिया वाला या कोई पूछता है किसी मिनिस्टर को कि फलाने फैलाने आइटम के इतने रेट क्यों बढ़े, इन्फ्लेशन क्यों है, ट्रेडर को जाके पूछो, सरकार का क्या काम है क्या ओनियन बेचना? दो दिन पहले तो और उसकी आगे बढ़ी, सब्जियों के भाव इसलिए बढ़े क्योंकि लोगों ने पहले एक सब्जी खाते थे, आजकल दो दो खाते हैं। अरे क्या ये? और ये कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर। ये कौन लोग है? कैबिनेट मिनिस्टर, कोर कमेटी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। और दूसरा तो
कौन सी लेवल है, आप समझ गए कि नहीं? अब कौन सी लेवल है भाई? और ये लोग रूलिंग गवर्नेंस में, गवर्नेंस में ये लोग, लेवल क्या है, क्या लेवल है? और ऐसे लेवल के हाथ में संविधान, बाबा साहब ने इसीलिए तो कहा था ना, आई विल बी द फर्स्ट मैन टू बर्न। पूछा गया क्यों, आपने क्यों बोला? बोले क्या करे, डेमन लोगों के हाथ में है। डेविल इस्तेमाल किया है शब्द बाबा साहब ने, डेविल, डेविल लोगों के हाथ में है। और हम लोगों को, बाबा साहब ने जिनको डेविल कहा, हम लोगों को दोस्ती करने की आदत है उत्तर नागपुर में, दक्षिण नागपुर में। अब देखो भाई, अपनी तो फितरत नियत साफ है, बाबा साहब ने जिसको डेविल कहा, डेविल। आप मुझे गलत कहो, गलत, क्योंकि बाबा साहब से मेरे लिए सीखने के लिए दूसरा कोई मॉडल नहीं। आप मेरे बाप होंगे, ग्रैंडफादर होंगे, कोई भी होंगे, भाड़ में चला जाए। मेरा रोल मॉडल तो तय है, ये डेविल के हाथ में है। अब बाबा साहब के उसी शब्दों को मैं 1954 के शब्दों के आपने रिमाइंड करना, क्या डेविल के हाथ में अभी भी नहीं है? अभी भी तो है ना, अभी भी तो है, और डेविल के हाथ में है। इसीलिए तो मैंने कहा रहा ना कि जो बाबा साहब का ड्रीम है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, कि दिस विल लीड फ्रॉम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जिसमें सबको समान भागीदारी, हिस्सेदारी, पार्टनरशिप मिलेगी। बाबा साहब का 25 नवंबर का भाषण देखो, डाउनट्रोडेंस आर बीइंग टायर्ड ऑफ बीइंग गवर्न्ड, ये थक चुके लोग दूसरों के सरकारों से, शासनों से, ये लोग ऊब चुके हैं, थक चुके हैं। रेमिडाइट करो, ट्राई टू एड्रेस देयर इश्यूज, और अगर एड्रेस नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा, दे विल ब्लो अप द होल फैब्रिक ऑफ द डेमोक्रेसी विच दिस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैज सो लेबोरियसली बिल्ट अप। 630 जिले हैं भारत में, 200 जिले नक्सलिज्म के अंदर है। क्या बाबा साहब क्या बता रहे, आउट ऑफ 630 डिस्ट्रिक्ट्स, मोर देन 200 डिस्ट्रिक्ट्स इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, नक्सलिज्म। क्यों भाई, क्यों? विकास चाहिए। कौन सा विकास का मॉडल है, कौन सा विकास का मॉडल है? बाबा साहब का भी अपना एक विकास का मॉडल है ना, कभी इसकी भी चर्चा करो आप, कि व्हाट इज द डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ बाबा साहब, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। वो 1 अप्रैल 2009 में आया, अब 1 अप्रैल को कौन सा दिन है? विकास का मॉडल चाहिए। आजकल खास करके चुनाव के दौर में, आने वाले लोकसभा में इसकी बहुत गहरी चर्चा होगी। ये डेवलपमेंटल मॉडल है, ये कौन सा है? गुजरात मॉडल है, ये कौन सा है? महाराष्ट्र मॉडल है, ये कौन सा है मॉडल? बिल्कुल नाकाम मॉडल है ये मॉडल बता रहे, ये डेवलपमेंटल के मॉडल बता रहे। गुजरात के सारे समुद्र के किनारे बैठी हुई सारी गरीब के किसानों की जमीन कहा गई है, ये डेवलपमेंटल मॉडल है? चर्चा करना बहुत आसान है, तालियां पिटवाना बहुत आसान है, देश को देवालय नहीं शौचालय की जरूरी है ये कहना भी बहुत आसान है। इससे एजेंडा नहीं बनता, इससे एजेंडा नहीं बनता। और इसलिए जब डेवलपमेंटल के मॉडल जब अलग अलग सामने रखता है, तो ये एक तरफ से आता है तो दूसरा कहता है किसी भी कीमत में मैं आपको भूखा नहीं मरने दूंगा, दो वक्त का चावल और गेहूं मुफ्त दे दूंगा, फ्री दे दूंगा, मरने नहीं दूंगा। वैसा भी तू जी ना, तू जीता रहेगा तब तो वोट देगा ना साला, मरेगा तो वोट क्या देगा? मरेगा तो मेरे उतने वोट कम हो जाएंगे ना, तो मरना नहीं देना, मरने नहीं देता है। क्या संविधान ये बताता है? राइट टू लिव डिग्निफाइड लाइफ, ये डिग्निफाइड लाइफ है?
72-73 में, मैं मुझे लगता है फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में या सेवन्थ स्टैंडर्ड में होगा, तो उस वक्त हम गांव में वो सड़क बनाने के काम पे चले जाते थे। वो सड़क बनाते ना, दुष्काल पड़ा था ना महाराष्ट्र में, अकाल था, तब वो जाते थे तो वो दोपहर को कुछ खाने को देते थे, सुकड़ी नाम की केमिकल था। सुकड़ी समझते, इधर था क्या विदर्भ में? हाँ, सुकड़े। और फिर एक बार ऐसा ही अकाल पड़ा तो मिलो बांटा गया था, मिलो। आप लोगों को आने मिलो सजना याद आया, याद रहेगा, ये मिलो याद रहता है कि नहीं मालूम नहीं। वो मिलो मालूम है ना, वो तांबड़ा। हाँ, अब ये जो मिलो था वो अमेरिका में समुंदर में डंपिंग करने के लिए था, समुंदर में डंपिंग करने के लिए। वो आया अपने पास, घोड़े भी नहीं खाते होंगे अमेरिका में, इधर सब खाना पड़ा। वो मिलो का एक उदाहरण ले लो, वो सुकड़ी का दूसरा उदाहरण ले लो, आज तीसरे उदाहरण आ रहे। डोंट वरी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है ना तुम्हारे लिए, 365 दिनों में 100 दिन का ठेका है, डोंट वरी। अब ये बात तो ऊपर ऊपर सीधी लगती है ना, थोड़ी गहराई में चले जाते। बाबा साहब ने कहा गांव छोड़ो, सिटी में आ जाओ, सबसे छुटकारा पाना है तो छोड़ो, जाति के चक्कर से, फ्यूडलिज्म के कल्चर से निकलना है तो छोड़ो और जाओ सिटी के तरफ। ये बाबा साहब ने बताया, गांधी ने कहा मत जाओ भैया, ये तो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है। क्या है? इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है, ग्राम व्यवस्था जैसी बढ़िया व्यवस्था नहीं, तुम यही रहो। बाबा साहब ने कहा छोड़ो, यही तो फर्क है ना, छोड़ो निकलो। और आप में या मैं भी, जो भी है, हम जो निकल चुके हैं उनका कैसा है, और जो है उधर वह है ना प्रॉब्लम। अब हुआ क्या है कि देश के कई लोगों ने, जिन्होंने बाबा साहब को जाना है, सुना है, नहीं भी सुना है, वो छोड़ने के चक्कर में, छोड़ो यार निकलो, ये रोकने के चक्कर में, मत जाओ मत जाओ, तुम्हारा इंतजाम हम करेंगे, 365 आई एम अनेबल टू प्रोवाइड यू एम्प्लॉयमेंट, 100 डेट तो देंगे, 100 दिन देंगे, लेकिन मत जा। और बाकी 265 अगर तू पूछेगा कि मैं क्या करूं, तो तुमको मिनिमम प्रोविजन कर रहे हैं ना फूड सिक्योरिटी के माध्यम से, लेकिन तू मत जा, हमें गांव में सस्ता लेबर फोर्स लगता है, वो कहां से आएगा? चीप लेबर फोर्स कहां से आएगा? हमारी ग्राम व्यवस्था किस आधार पर चलेगी? और इसीलिए ये फूड सिक्योरिटी बिल या नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बिल की ये जो स्कीम है, उसकी पूरी समीक्षा अंबेडकराइट पर्सपेक्टिव के माध्यम से होनी चाहिए, अंबेडकर दृष्टिकोण से रूप से होनी चाहिए। और जब अंबेडकराइट दृष्टिकोण लगाओगे तो ये पता चलेगा कि आपको रोकने का हथियार है। अभी बीच में हम एजुकेशन के लोग हैं, 10वीं तक जाओ आपको फेल ही नहीं किया जाएगा, 10वीं के बाद परमानेंट फेल, 10वीं तक जाओ रोकते ही नहीं, जाओ जाओ नो एग्जाम, जाओ पैसा भी बच गया उतना एग्जाम लेने का। आजकल एग्जाम लेने वाले भी बहुत खराब एग्जाम लेते, सेंटर नहीं, पेपर नहीं पहुंचता, रोज पेपर में आता है, चाहे यूनिवर्सिटी बॉम्बे हो, पुणे हो, नागपुर हो, नासिक हो, कुछ भी हो, सभी है, जाओ बोले 10वीं तक जाओ। अब ये भी लोग खुश, चलो यार मेरा बच्चा नालायक है, साला पढ़ता नहीं तो 10वीं का तो टैग मिल रहा है फुकट का, वो एक तरफ खुश। और 10वीं के बाद आपको मार्केट, एम्प्लॉयमेंट मार्केट से, एजुकेशन मार्केट से परमानेंट आउट, गो परमानेंट आउट। ऐसी स्कीमें अगर चलेगी तो राइट टू एजुकेशन संविधान में है, जिसके कानून तहत एक कानून आया 2009 को आया राइट टू एजुकेशन, और गलती से वो भी 1 अप्रैल को ही आया, वो 1 अप्रैल 2009 में आया। अब 1 अप्रैल को कौन सा दिन है? 1 अप्रैल को है। अभी राइट टू एजुकेशन तो आ गया, किताब में तो आ गया, बच्चों का बर्डन बढ़ गया, पढ़ो क्या लिखा है, प्रोविजन की स्टडी करो, लॉ स्टूडेंट का पढ़ाई बढ़ी, स्टडी बढ़ी, एग्जाम करने के लिए तकलीफ हो गई,
अब राइट टू एजुकेशन 2009 में आया, मैं आपको पूछता हूँ, बताओ क्या हर बच्चे को ये मिल रहा है? मिल रहा है क्या? बच्चे नहीं है अभी भी स्कूल के अलावा? इंडिया की गवर्नेंस आज ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट कर रही है थ्रू कॉस्मेटिक जो चेंजेस होते हैं उसके माध्यम से, कॉस्मेटिक चेंजेस। 2013 हमने कानून बनाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, 1894 को निकाल दिया। बहुत जल्दी है अभी, कुछ कंपल्शन है हमारे, हमें करना है। फूड सिक्योरिटी बिल, अब फूड सिक्योरिटी बिल दिए तो सारे लोगों को क्या खाना मिलेगा? कौन काम करने को जाएगा? मिलेगा? उसके भी तो बहुत से क्राइटेरिया होंगे, आप वो कार्ड के अंदर है कि नहीं, वो कार्ड के बाहर है कि नहीं, वो कार्ड मालूम है ना, वो कौन सा कार्ड है वो, हाँ, जिसका कोई आधार नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसका कोई आधार नहीं ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बोले वो कार्ड। अब सरप्राइज होंगे आप लोगों को, कई स्टूडेंट लोगों को ये स्कॉलरशिप के पैसे नहीं दिए, बोले तुम्हारे पास कार्ड नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं उसका क्या आधार है? स्कॉलरशिप के पैसे वापस गए ओबीसी के, खास करके ये पुणे यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये महाराष्ट्र में जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स है इनकी ट्रेनिंग यशदा में थी, तब मुझे उन्होंने ओरिएंटेशन के लिए बुलाया था और तब ये जानकारी उन्होंने मुझे दी। सोशल वेलफेयर ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक होता है ना, उन्होंने मुझे जानकारी दे दी कि बोले सर हमारे जिलों में इतना इतना करोड़ रुपए ओबीसी के स्कॉलरशिप का वापस गया। क्यों गया? तो वो नील केनी है ना, वो क्या नाम, नील केनी ना, अब चुनाव लड़ने जा रहा है, हाँ वो नील केनी के कार्ड के चक्कर में हमको नहीं मिला। ये पॉलिसी है, एक तरफ तो वेलफेयर स्टेट का नारा है और दूसरा पूरी सारी पॉलिसी प्रो कैपिटलिज्म की तरफ जा रही है, प्रो कैपिटलिज्म, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब स्टेट की पॉलिसी ज्यादा रिच एफ्लुएंट क्लास की तरफ झुक जाती है, पुअर क्लास की तरफ नहीं। कैसी रिच और एफ्लुएंट क्लास की तरफ कैसे बढ़ जाती है? आप उदाहरण के तौर पे ले लो, एससी एसटी कंपोनेंट फंड का पैसा कितना होता है? टेक महाराष्ट्र, बहुत मामूली है, कोई बड़ी रकम नहीं। किसानों को जो पैकेज दिया गया, फार्मर लोगों को, वो भी कोई बड़ी पैकेज की अमाउंट नहीं है, उसमें भी वो धांधलिया हो गई, सारे बैंक वालों ने लूटा, वो अलग बात है, उस विषय में मैं नहीं पढ़ता, वो साईनाथ वगैरह लोग काम करते हैं इस मामले को, साईनाथ मतलब जो है उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट, सारे करते। ये सवाल नहीं देश में कभी आता कि कॉरपोरेट हाउसेस के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ का रुपये छोड़ दिया, ये सवाल कभी नहीं आता, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। अरे एससी एसटी के लिए इतना पैसा देने की क्या जरूरत है, ये किसान मर गए तो इतना पैसा देने की क्या जरूरत है, ये तुम्हारी फार्मर के लिए सब्सिडी देने की क्या जरूरत है, ये कॉरपोरेट हाउसेस को सब्सिडी देने के लिए ये कोई नहीं पूछता कि इनको सब्सिडी इतनी की देने की क्या जरूरत है, कितनी दी है मालूम है? लाखों में, लाखों करोड़ों में। ये सारी सब्सिडी, वो सारे आंकड़े इस किताब में है, आंकड़े बताकर मैं थोड़ा आपकी लिंक नहीं खत्म करूंगा, आंकड़े मेरे पास है, मेरे सामने भी है, करोड़ों रुपए में रेवेन्यू पूरा जो स्टेट को आना चाहिए वो उनके पास चला जाता है, कॉर्पोरेट हाउसेस को चला जाता है, इंडस्ट्रियल हाउसेस को चला जाता है, बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस को। और चर्चा मात्र होगी दलित बच्चों के शिक्षा के लिए ऊपर कितना पैकेज दिया, किसानों के लिए कितना पैकेज दिया, अरे कॉरपोरेट के लिए कितना पैकेज दिया इसकी भी तो चर्चा करो ना, उसकी नहीं करते। आम आदमी अगर किसी बैंक से छोटा सा कर्जा लेता है और नहीं दे पाता तो दूसरे दिन वो जब्ती लाते ना, टेकओवर, मल्ले के ऊपर टेकओवर हुआ, वो सहारा वाला सुब्रतो उसके ऊपर हुआ, मोर देन 1 लाख करोड़ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोर देन 1 लाख करोड़ फिगर है मेरे पास। ऐसे ही एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए, बड़े लोग नहीं देते उसको एनपीए, साला लफ्ज भी कहां से ढूंढ लेते हैं, और गरीब आदमी देते कर्ज बुडित, कर्ज बुडित की दप्तीत, तेजो का दप्ती नहीं।
इनके पास इतनी प्रॉपर्टी पड़ी होती है उसको कोई हाथ नहीं लगाता, उसको कोई अटैच नहीं करता। और गरीबों की, छोटे किसान जिसका 5,000-10,000 कर्जा है, उसका तुरंत क्या खेत गिरवी रखा है, नीलाम कर दो, बैल है नीलाम कर दो, किसी ने फित पे के सहारे कोई गाड़ी लिए नीलाम कर दो, बेच दो, बैंक सेल करेंगे। इस तरह की अगर स्टेट की फेवरेटिज्म रही तो हम कहां जा रहे हैं, कौन से एरिया में एंटर कर रहे हैं। जब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा ना कि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के, ये है एरिया, ये तो एरिया बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं तो ऐसे ऐसे एरिया हम लोगों ने ढूंढ निकाले हैं। आजकल का वो सबसे बढ़िया, अगर गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कैसी नहीं चलनी चाहिए, वो कांशीराम साहब की एक बात मुझे हमेशा याद आती कि बाबा साहब की मूवमेंट कैसी चलनी चाहिए, वो बाबा साहब से सीखना चाहिए, कैसी नहीं चलनी चाहिए, वो बाबा साहब के चेलों से सीखना चाहिए। ये नागपुर में भी बोला है उन्होंने कई बार कि भाई शेवड़े बोला है ना, अब फर्क पड़ता है कि नहीं वो अलग बात है। तो सरकार कैसी नहीं चलनी चाहिए इसकी मिसालें आज से हमारे सामने जाता है, बहुत सारी है। अगर एक एक उदाहरण करके पोस्टमार्टम लेंगे ना तो रियली अपने को एक बड़ा कैडर क्या लेना पड़ेगा इसका भी, क्योंकि ये तो कोई ऐसी भाषण में समझाने वाली बातें नहीं है जिसको डेटा लगता है, सब कुछ लगता है, ये किताब में तो डेटा है। ये इन्होंने गवर्नमेंट कैसी नहीं चलनी चाहिए इसका अगर सबसे बेहतरीन कोई उदाहरण है तो राडिया टेप्स है। राडिया टेप्स, राडा महित है अपना, राडिया टेप्स, 5,671 रेकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन्स कुणाचे, ती एक कोणतरी बाई राडिया कुणाबरोबर, मंत्री, कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, उद्योगपती, पत्रकार, ते पत्रकार पण ते दोन, ती बरखा आणि तो दुसरा वीर सिंग, दुसरा काय तरी, ही अशी सगळी मंडळी त्याच्यामध्ये, सगळी मंडळी। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मामला गया तो उन्होंने कहा तो ये कोलगेट से भयानक है, कोलगेट तो 1.76 लाख करोड़ का है, ये तो उससे खराब है। बोले पता नहीं इससे क्या निकलेगा, क्योंकि इसका एम्बिट जो है वो फेवर टू द कॉर्पोरेट हाउसेस, टू द डील्स, फॉरेन डील्स, आर्मामेंट डील्स, यहां तक उसकी रेंज है। किसको मिनिस्टर बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए, ये कौन तय कर रहा है? दो ऐसे दो चार लौंडे इधर उधर से घूम रहे वो तय कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र है, ये डेमोक्रेसी है जिसकी कल्पना बाबा साहब ने की है, ये डेमोक्रेसी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक सेंटर आधार बना है गवर्नेंस का। ये अगर बनाते हैं तो आज आपको समझना होगा कि ये मॉडल किसी को तो सूट करता होगा, अगर हमें सूट नहीं करता है या संविधान को सूट नहीं करता है तो किसी को तो सूट होता होगा, और जिसको सूट होता है वो आज इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को टू पार्टी सिस्टम में बदलने में लगे हैं। तो जो चुनाव में जीते हुए लोग हैं वो कोरस गर्ल्स बनेंगे, कोरस गर्ल्स कल्चर चला रहा है। आपको भी फैसला करना होगा आपको कहां चलना है, पूरी कॉर्पोरेट कल्चर, देश के लगभग 200-250 मीडिया हाउसेस लगे हैं पूरे, लगता है कि देश में कोई तीसरा जिंदा ही नहीं, चौथा जिंदा ही नहीं, पांचवा जिंदा ही नहीं, बस ये एक है और ये एक है, कोई अता पता नहीं कौन सी कल्चर पॉलिटिक्स में ला रहे हैं। इस तरह की पॉलिटिक्स में प्रोसेस ला रहे हैं कि इसको अगर थोड़े हम गंभीरता से देखें, थोड़े गहराई से देखें, फॉरगेट द पार्टी पॉलिटिक्स, राइज अबाउ दैट एंड जस्ट कम टू द व्यू कि ये बहुजन राजनीति के लिए, समाज परिवर्तन के आंदोलन के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए क्या हिट होगा, क्या सही होगा, ये बड़ा सवाल आएगा। और इसीलिए एक वर्ग है जो अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक सिस्टमिक को अपनी तरफ ले जाना चाहता है, अगर हमारे पास ताकत है तो हमने अपने तरफ उसको मोड़ लेना चाहिए। अब ये हमारी ताकत तय करेगी, हमारे पास है या नहीं ये तय करेगी।
पूरा फोकस ओरिएंटेड जो बना रहा है। 1934 में हिटलर का यही इसी तरह का था। 34 हिटलर केम टू द पावर थ्रू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, रिमेंबर। ठीक है, इंडिया में नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन द फैक्ट इज फैक्ट, ही केम थ्रू द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन ही कन्वर्टेड। अब कुछ लोग तो कहते कि नहीं अपने में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 75 में नहीं हुआ, 75 में नहीं हुआ, ठीक है अब 100% नहीं हुआ, 75 तो हुआ, 50 तो हुआ, और अगर कल कोई और उससे ज्यादा तगड़ा गया तो नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। हम ये एक वैक्यूम की दुनिया में रहने की हमारी आदत है, बहुत से लोग की नहीं ये होगा नहीं, अरे ये होगा नहीं ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये होगा तो तुम्हारा एक्शन प्लान नंबर 1, 2, 3 कुछ है? कुछ नहीं हमारे पास, क्योंकि ये होगा नहीं, हम मान लिए ना। और इसलिए आने वाले दिनों में इंडिया की गवर्नेंस सिस्टम, जो शासन पद्धति है, इसको आमूलाग्र बदल लाने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज नाउ, बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को आप अगर आगे की तौर पे देखिए, जैसे मैंने राडिया टेप्स का उदाहरण दिया कि मिनिस्टर कौन बनना है वो कोई और तय करता है, पॉलिसी कौन बनाना है कोई और तय करता है, ये पॉलिसी मेकर है। एट्रोसिटी के लिए आपने कानून बनाया 17 के तहत, भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने 10 बार कहा होगा हम एट्रोसिटी को खत्म करने के लिए स्पेशल कोर्स बनाएंगे, पिछले 10 साल से कह रहे, एक भी नहीं बनता। एग्जिस्टिंग सेशंस कोर्ट में जो कोर्ट एक डेसिग्नेट करना होता है वो भी नहीं होता। और पिछले 2-3 साल से इंदू मिल के चक्कर में कितनी बात होती है तो भी कुछ नहीं होता, फिर भी हमारे लोग, इस बार होगा। और वो लोग भी समय के खिलाड़ी होते हैं और अपने लोग भी समय के खिलाड़ी होते हैं। आ गया 6 दिसंबर, निकालो इंदू मिल का, किधर है रे भाई, बाहर निकालो, चलो मोर्चा आंदोलन, अभी 12 महीने शांति। कोई कांबले है, कोई पवार है, कोई जाधव है, क्या यार, 6 दिसंबर आया, निकलो बाहर, इंदू मिल देखो, बाकी कुछ नहीं। अरे अभी तक वो साला, वो मिनिस्टर ने लैंड भी नहीं नाम पे दे दी, अभी तक मेरे पास है डॉक्यूमेंट उसके, क्योंकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का करस्पॉन्डेंस किया ना, वो आदमी मेरे कांटेक्ट में है, वो मुझे देता है सारी बातें, ये सारी डॉक्यूमेंट मेरे पास है, आज भी वो लैंड ट्रांसफर नहीं है। और हर बार कहेंगे अभी बनाते, सीएम दिल्ली गए हैं, पीएम दिल्ली गए हैं, और फिर वहां के अभी होने वाला है, उधर हॉल होगा, उधर लैबोरेटरी होगी, उधर टॉयलेट होगा, उधर बनते बैठेंगे, पागलों की भी हद होती है यार, है? गालिब का शेर तो याद है, वो बेचारे 6 दिसंबर को लोग तुम्हारी ये बातें सुनने के लिए थोड़े आते हैं, वो जो बेचारे शांति से इकट्ठे होते हैं, चाहे उधर हो या 14 को इधर हो, वो बेचारे दुनिया में सबसे डिसिप्लिन फॉर्म में शांति के साथ आते जाते रहते, उनको बाहरी आदमी कोई डिस्टर्ब नहीं करता, हमारे अंदर की है। इस तरह के अगर फोर्सेस के लेकर कहेंगे हम बाबा साहब के संविधान को ये करेंगे, थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा कठिन लगता है। पार्लियामेंट्री कितनी स्ट्रेंथ है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कितनी स्ट्रेंथ है, वो तो एक बड़ी अलग बात है, एक डिफरेंट बात है। और इसीलिए आने वाले दिनों में जिस तरह से ये सारी गवर्निंग प्रोसेस की जो बातें चल रही है, एक ये है कि गुड गवर्नेंस की ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की बात करनी होती है। बाबा साहब का 51 का भाषण है, 51 का है कि स्वच्छ सरकार द्यायला काय अडचण आहे, अन्न पाणी वस्त्र द्यायला अडचण आहे, मी समजू शकतो। बाबा साहेब म्हणतात कि अन्न वस्त्र निवारा सगळ्या एवढ्या मोठ्या संख्येच्या जनतेला देणं कठीण आहे, मी मानतो, पण स्वच्छ राज्य कारभार द्यायला काय अडचण आहे? साधा आहे ना, साधा आहे कि सरकार नाही देऊ शकत एवढ्या लोकांना अन्न वस्त्र निवारा, क्योंकि पॉप्युलेशन बडी आहे, रिसोर्सेस कम आहे, वो हम समजते, लेकिन
अच्छी ट्रांसपेरेंट ओपन अकाउंटेबल गवर्नमेंट देने के लिए क्या दिक्कत है, नेहरू को पूछते हैं। 1948 में बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे, बहुत से कानून बनाए, उसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है जो अभी भी है ना, चुनाव करता है ना विधानसभा लोकसभा, वो बाबा साहब के समय बना हुआ कानून। उस वक्त बाबा साहब उस कानून में एक प्रोविजन डालना चाहते थे, कौन सी प्रोविजन, कि जिसको भी सरकार की तरफ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कोई लाभ हुआ है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लाभ हुआ है, उन्होंने उदाहरण के तौर पे कहा है कि जिसको सरकार की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। 48 में बाबा साहब लॉ मिनिस्टर, सारे कांग्रेस वाले ये नेहरू के पास, ये क्या आदमी कर रहा है, हिंदू कोड बिल तो अलग कहानी है, ये दूसरी कहानी है, बोले ये क्या कर रहा है, हटाओ इसको, ये तो सारे कांग्रेसियों को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से तड़ी पार करा रहा है, कांग्रेस पार्टी बचेगी किधर, नहीं होने दिया, नहीं होने दिया। बाबा साहब का 51 का ही भाषण है, मैं जो कह रहा हूं वो आज का है ऐसा ही मत समझिए, जो क्रोनिक कैपिटलिज्म की मैं बात कर रहा हूं आज की नहीं है, बाबा साहब का 51 का भाषण है, उसमें बाबा साहब ने भी जो मैंने इस किताब में एंड करते हुए कहा है, बाबा साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट नहीं बनना चाहिए। लुक एट बाबा साहब सेज मे 1951 इन प्रिंसिपल, आई डू नॉट वांट द पार्लियामेंट टू बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टॉक एक्सचेंज बाय द बिजनेस कम्युनिटी। While it is, बाबा साहब आगे कहते हैं कि while it is necessary to permit every class, हर क्लास को अधिकार है, तो उनको भी एक अधिकार है। So he says, while it is necessary to permit every class of the people to come into parliament, हर एक को अधिकार है पार्लियामेंट में आने का। लेकिन बाबा साहब आगे कहते हैं, at the same time you must have enough safeguards to protect the parliament. अगर enough safeguards नहीं रहेंगे तो बाबा साहब आगे क्या कहते हैं? कि अगर सेफगार्ड नहीं रहेंगे तो ये पार्लियामेंट में ये बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं पार्टनर हैं वो टेक ओवर करेंगे, और उनको बाबा साहब कहते हैं ये कोरस गर्ल के ऊपर से काम करेंगे, कोरस गर्ल्स। बाबा साहब सेड आई माइट कॉल कोरस गर्ल्स हु वुड बी सेइंग ऑलवेज डिटो टू व्हाट द गवर्नमेंट से। अगर ये बिजनेस कम्युनिटी कॉर्पोरेट कम्युनिटी ये पार्लियामेंट के ऊपर हावी होंगे तो जो चुनाव में जीते हुए लोग हैं वो कोरस गर्ल्स बनेंगे, कोरस गर्ल्स। आपको चीयर गर्ल्स मालूम है ना, चीयर गर्ल्स मालूम है ना, ये कोरस गर्ल्स। कोरस गर्ल मतलब जो भी नीतियां बनेगी, आप समझ गए क्या, दो दू से हाय हाय, दो दू से नो, वो सुनते क्या नहीं, देखते क्या नहीं, देखते जाओ कभी कभी, ये भी सारा सीखना चाहिए आप लोगों को मालूम होने, बस बस हो गए। बाबा साहब कहते हैं ऐसे कोरस गर्ल्स के अगर रहेंगे डिट्टो टू व्हाट द कॉर्पोरेट से तो ये पार्लियामेंट नहीं रहेगी। आज क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं, चल रहे हैं? और जिस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर इकोनॉमिक सेक्टर हावी हो चुका है उसके से तो पूरा पूरा लग रहा है, जिस तरह से इलेक्शन प्रोसेस चलाने की बात हो रही है पूरा पूरा लग रहा है, जिस तरह की कॉर्पोरेट फंडिंग है सारी डेटा मेरे किताब में है, कॉर्पोरेट फंडिंग किसको किसको, आप पावर में है तो आपको 10,000 करोड़, आप पावर में आने वाले तो आपको 5,000 करोड़, तू भी रहेगा तो भी ठीक, वो भी ठीक, वीडियोकॉन दोनों को भी देगा, मैंने नाम के साथ फिगर दिए उनको, वीडियोकॉन दोनों को भी देगा, आदनी एक को देगा, गुजरात वालों को ज्यादा देगा, महाराष्ट्र वालों को कम देगा, कॉर्पोरेट फंडिंग। और कॉर्पोरेट फंडिंग का कोई लॉ नहीं है इंडिया में, कंपनी लॉ है जो पॉलिटिकल डोनेशंस परमिट करता है, लेकिन मैं अगर कॉर्पोरेट हूं तो कॉर्पोरेट मतलब वो नहीं कॉर्पोरेशन वाला, मैं अगर इंडस्ट्रियल हाउसेस मालिक हूं, कॉर्पोरेट हाउस मालिक हूं,
तो मैं तय करूंगा मेरा पैसा किसको देना है। उसका कोई नियम नहीं इंडिया में, कोई नहीं है। सबसे पहला ट्रस्ट किसी ने बनाया तो टाटा ने बनाया। वैसे टाटा बिरला का पहले से ही पैसा गांधी को जाता था, फंडिंग टू द गांधी बाय द कॉर्पोरेट से, ऐसे कोई लिख सकता है? शुरू से ही। तो आज देश में कितने उद्योगपति है? 2020 में वर्ल्ड फिगर है, इंडिया में सबसे ज्यादा रहेंगे, बिलियनियर ट्रिलियनियर। ये विकास है, ये ग्रोथ है, सबसे ज्यादा बिलियनियर ट्रिलियनियर रहेंगे। वो फोर्ब्स नाम का मैगजीन है ना, वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट निकालता रहता है। 2025 में इंडिया सबसे ऊपर, मोर देन 3,08,000 ट्रिलियनियर्स। अभी 1,82,000 है, अभी कितने है? 1,82,000, मोर देन 3,08,000 ट्रिलियनियर्स इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स, नॉट रूपी। ये 2020 में, ये अगर ग्रोथ का इंडिकेटर है तो फिर प्लानिंग कमीशन की रेशा लगाने की कोई जरूरत नहीं कि अमेरिकी ऊपर कितने है, गरीबी के नीचे है। दैट इज अगेन अनदर बिग जोक पॉलिटिक्स, शेमलेस पॉलिटिक्स ऑफ पॉवर्टी, शेमलेस पॉलिटिक्स। अरे शेमलेस पॉलिटिक्स में कौन कौन जिम्मेदार है, भागीदार है, उसकी मैं चर्चा नहीं करता। ये दोनों उदाहरण के साथ आज हम देश के ऊपर बात करते हैं, इकोनॉमी तो हम हमेशा बात करते हैं पार्लियामेंट में, अपने लोगों को तो नहीं समझता। बहुत फिस्कल डेफिसिट है। 2003 में कानून बनाया, क्या हो गया? कानून बनाया ना, 2003 में कानून बनाया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, क्या हो गया? नहीं। चिदंबरम अभी 2012-13 का बजट किए, बोले किसी भी कीमत पे 5% जीडीपी के ऊपर मैं फिस्कल डेफिसिट को जाने नहीं दूंगा। क्या किया? सारा सोशल वेलफेयर सेक्टर का पैसा था वो बचाया, स्पेंड ही नहीं किया। तो फिस्कल डेफिसिट तो कम होगी ना, खर्चा कम हो गया, उतना पैसा बच गया। तो वो दिखा देगा ना, इतना पैसा हमारे पास है, विड्रॉ किया। हमें समझ में नहीं आता ये गेम समझ में नहीं आता। गरीब भोले भाले लोगों को तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। और इसीलिए आज देश में कई तरह के मिसालें हो रही है जिसको हम के ध्यान में रखने की जरूरत है। हम लोग ये सरकार की तरफ से देखते कि यार बहुत देश में प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम है, रेवेन्यू डेफिसिट का प्रॉब्लम है, करंट अकाउंट का डेफिसिट का प्रॉब्लम है, चलो किसी साधु से मिलते, उन्नाव जिले में उत्तर प्रदेश में जाते और खुद काम शुरू करते, है ना? क्या नाम उसका? सरकार। ये बंगाल आदमी है, उधर बैठा है, बोले दावा है मेरा है, खत लिखता है यूपी सरकार को, दिल्ली सरकार को। आप साला, ये संविधान का भारत है क्या? टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द ईच एंड एवरी सिटीजन। कहा ये दबा है ना, मर्डर है ये, पूरा मर्डर है। बोले खोदो, इधर मिलेगा। कितना फीट बोले? 20 फुट नीचे जाओ, 10 फुट नीचे जाओ, बहुत सोना मिलेगा, इतना सोना मिलेगा कि अपना सारा विदेशी कर्जा खत्म होगा। बहुत से स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, वो दुनिया के आजू बाजू के गांव के भी, वो बाजू वाले लोग भी पागल, वो मिलने के पहले बोले लगे इसमें आधा गाँव वालों को रखना चाहिए। साला अभी तक पता नहीं, पता नहीं, उसमें ऊपर झगड़े कि लोकल पैसा है, लोकल राजा का पैसा, इसको मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। कौन सी सोसाइटी है भाई? एक तरफ दाभोलकर चला जाता है, वो भी एक सोसाइटी का सिंबल है। तीसरी तरफ सिंबल है हमारा वो बेचारा साइंटिस्ट, हमारा इसरो वाला, मार्स तो भेज देता है वो जो भेजता है, लेकिन तिरुपति में जाता है। अब इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट कहा जाते हैं? अब मैं मामूली एमबीबीएस वाला का दुख समझता हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ उसमें हाथ में, वो पागल कहेगा तो मैं मान भी लेता। लेकिन ये साइंटिस्ट जो आदमी इंसान की दुनिया नहीं उसकी खोज करने वाले, ये भी गए। क्या ये संविधान के फिलोसॉफी के साथ बैठता है? आप कहेंगे नहीं, माने साहब इसमें संविधान की फिलोसॉफी की क्या बात है,
ये तो आम आदमी के इंडिविजुअल फ्रीडम की बात है, वो कहां जाए ना कहां ना जाए वो उसका फैसला। कोई ये भी कह सकता है ना, इंडिविजुअल मतलब कहीं अपने पार्टी में देखो, वो कैबिनेट मिनिस्टर रहता है, वो स्टेटमेंट देता है और दूसरे दिन पार्टी कहते हैं नहीं नहीं इसका तो इंडिविजुअल ओपिनियन है। अब साला कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ गई, कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ गई, नहीं नहीं उसका तो इंडिविजुअल ओपिनियन है। तो इसमें भी कोई कहेगा नहीं नहीं माने साहब वो तो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात है, ही हैज एवरी राइट टू गो, इफ इज अ मुस्लिम ही विल गो टू दरगाह, इफ इज अ हिंदू ही विल गो टू सम टेम्पल। जाओ ना भाई जाओ ना, इंडिविजुअल जाओ ना, आपको कौन देखता है, कौन मना करता है। लेकिन भारत सरकार के साइंटिस्ट के तौर पर आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते ना, प्राइम मिनिस्टर है। आप कहेंगे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मत जाओ ना, आप अकेले चले जाओ, रख दो गवर्नमेंट की सारी मशीनरी, बेचारे पुलिस पुलिस सब जो गन बीन लेके खड़े रहते उनको क्यों तकलीफ देते हो, आप चले जाओ ना, अगर उसमें ताकत है उसको वो आपको बचाएगा, वो गन वाले की क्या जरूरत है वो बचाएगा ना तुमको। दिस इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। वो सोना खोदने के लिए गए कहां नहीं मिला, अरे खोदने की जरूरत क्या है, बहुत सब पड़ा है, ढूंढो ना, अकल की होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, कितना पड़ा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, वर्ल्ड एक दुनिया की गोल्ड की एक बॉडी है काउंसिल, वो कहते हैं इंडिया में 20,000 टन सोना पड़ा है, 20,000 टन, 20,000 टन मुझे कितनी डालो, 20,000 टन सोना पड़ा है इंडिया में टेम्पलों में, उठा लो सारी समस्या खत्म होगी ना। जीडीपी का जो भी डेफिसिट है वो निकल जाएगा, फॉरेन डेट है जो भी निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। अकेले तिरुपति के पास कितना सोना है, कितना सोना है मालूम है, पता कर लो किताब में है पढ़ो, सिर्फ तिरुपति अकेले ने टेंपल ने 2,250 किलो सोना स्टेट बैंक में अभी रखा है, 3,000 करोड़ एनुअल इंटरेस्ट मिलता है ये 2,250 किलो सोने का अकेले तिरुपति का। तिरुपति इंडिया में कितने हैं, सब समस्या का हल हो सकता है, सब समस्या किसी ट्राइबल को बिना डिस्प्लेस किए, किसी दलित को बिना डिस्प्लेस किए, किसी भी समाज के किसी भी आदमी को बिना डिस्प्लेस किए सोने की चिड़िया फिर बन सकता है, बन सकता है, ताकत है, संविधान इजाजत देता है। उस तरह की लीडरशिप का अभाव, पॉलिसी का अभाव, और जिनके पास वो पॉलिसी नहीं लीडरशिप नहीं तो वो तो अपने हिसाब से खेल खेलेंगे, और इसीलिए ये खेलने वाले के जो गेम है, हमें आने वाले चार विधानसभा के तो अभी वो नतीजे आ जाएंगे लेकिन आने वाले लोकसभा में दिखेंगे, लोकसभा के बाद में भी कई स्टेटों के चुनाव है उसमें दिखेंगे। अब इन सारे हालातों में हम लोगों को क्या करना चाहिए वो हम तय करें, जो हमारे हाथ में है वो हम तय करें, जो हमारे हाथ में नहीं वो तो तय नहीं कर सकते ना, लेकिन जितना हाथ में उतना तो तय करो। अगर ये भी तय नहीं करेंगे तो बाबा साहब ने कहा ना, महात्मा मे कम एंड मे गो, दे मे रेज द डस्ट बट नॉट द लेवल। अपने भी यहां अपॉर्चुनिटीज मे कम एंड मे गो, बस ऐसा ही। अगर हम इसी नोट के साथ आज का लेक्चर यहां छोड़ देंगे, और आपके लिए भी एक एक्सरसाइज है कि आप थोड़ा सोचें और सोचकर आप भी इसी दिशा में आगे बढ़े, इसी उम्मीद के साथ विदा लेना चाहूंगा। जय भीम जय भारत।